ओवरपास ओवरपास ठीक है। कितने सेकंड का डिले होता है उसमें गो टीवी में मोती? 45 सेकंड बहुत है या फिर मैं और डिले करूं? बता दो तुम दोनों। 45 बहुत है या फिर मैं और डिले डालूं? बता दो पहले। बहुत है ठीक है। देख लो भाई एमबॉट डिटेक्टर तो है इसमें। आईपी दे दो मुझे मोती डीसी में। ठीक है दोनों आईपी दे लो। दोनों आईपी और कमांड और जो सिंपल को आईपी एक ही देना, कहीं भी कंफ्यूज होता है कौन से पे ज्वाइन करना है। कहाँ भेज रहा है मोती आईपी मेरे को? 105 सेकंड का डिले है इसके। हाँ तो ठीक है ना, बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत सही बोला था मोती। कोई ना कोई ना, सही है, बहुत सही है, 105 है, बहुत है, ऑटोमेटिक रहता है, मैंने पूछा बहुत है, सही है, 105 ही सही है, मेरे बच्चे कोई शक नहीं होता है भाई। मेरे को आईपी दे दो डिस्कॉर्ड पे। टा 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 क्या माउस हिला रहा है गधा ऐसा। हाँ दे दिया मोती आईपी। सर नहीं मिला मुझे। डेमो डेमो भी चाहिए ना तुम लोग? मेरे को डेमो चाहिए। हाँ, 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 सब सबका डेमो चाहिए, सबके डेमो चाहिए। ब्राउन मेरे को आईपी नहीं मिला है मोती अभी। रुक जा भाई रुक जा। पासवर्ड का जरूरत है क्या? सिंपल, तू मेरे साथ है डिस्कॉर्ड पे रहेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी ना तुरंत मुझे बता दियो। ठीक है पॉज करके, गेम पॉज करके मुझे बता दियो, मैं आ जाऊंगा। आप क्या लाइव स्ट्रीम कर रहे हो ना? हाँ लाइव हूँ मैं। ये प्लेयर्स को देना है ठीक है। वेस्ट मानिया का कौन सा टीम है? 382 इसका पास क्या है? इसका पास क्या है मोती? वो पासवर्ड चेंज करना रह गया यार, कर दूं क्या? रहन दो ना, बस पास के साथ एक आईपी दे दो मुझे। पासवर्ड चेंज मत करो, बाकी कोई आएगा मैं किक कर दूंगा। पास के साथ मेरे को आईपी दे दो। वैसे कोई आएगा नहीं, मुझे पता कोई आएगा नहीं। पास के साथ आईपी दे दो और एक गोटी वाली आईपी दे दो। पूरा एक कमांड लिख के दे दो, जो पूरा लिखते हो ना वो वाली। पासवर्ड डाल दे, पूरा पासवर्ड डाल दे। हाँ पूरा पासवर्ड डाल के कमांड दे दो और एक गोटी वी की दे दो, दो दे दो मेरे को भी भेज। इसको लाइव भेजना बस, इसको लाइव आएगा। ये प्लेयर की है ना? हाँ ये प्लेयर के है, तो मैं लाइव वाला भेज रहा हूँ। हाँ इनको दे रहा हूँ। लाइव वाला दे रहे हो क्या मुझे? हाँ तू बैठेगा ना गोटीवी पे। हाँ मुझे गोटीवी वाला भी दे दो, लाइव वाला दोनों दे दो। मतलब ये तो है ही मेरे पास और गोटीवी वाला दे दो। ये मैंने विस को दे दी, विस अपने प्लेयर को दे दे और ये 11 ये ले, दोनों अपने प्लेयर को दे दो। चलो हो गया काम मेरा, सर्वर ज्वाइन कर ले। हाँ जाओ, ये गोटीवी का है। हाँ हाँ तो सिर्फ यही लिखना है, इतने में हो जाएगा काम। हाँ हाँ पासवर्ड नहीं दे रहा था गो टीवी पे। ठीक है ठीक है ठीक है। सिंपल सिंपल था, सिंपल को रुक, मैं सिंपल को दे रहा हूँ, इस पे कनेक्ट कर ले। चल फिर मैं चला, आते हैं सर्वर में। ये ले और कोई प्रॉब्लम हो सिंपल मुझे बता दियो तुरंत। ठीक है और अपना डिस्कॉर्ड पे म्यूट, डिस्कॉर्ड पे म्यूट कर ले। मैं एफके हूं पढ़ रहा हूं साइड में। हां ठीक है ठीक है ठीक है। डिस्कॉर्ड पे ब्लेस ब्लेस कर रहा हूं सिंपल। डिस्कॉर्ड पे ना कुछ बताइयो मत कौन जीते, क्योंकि तेरे पास पहले तो पहले पता होगा कौन जीत रहा है। ठीक है ना? हां ठीक है ठीक है ठीक। मैं स्पेक्टेट में हूं ठीक है। हां स्पेक्टेट में रहेगा सिंपल। एक बार आ एडमिन है ना? एडमिन है सर, तो स्पेक्टेट में ही रहेगा। ठीक है एक्सक्लेमेशन एडमिन कर, नहीं यार कैप्स लॉक, कैप्स लॉक बंद करके क्या? हां हां कैप्स लॉक बंद कर। नहीं यार यू डोंट हैव आईगा टाइम है। हाय लेवे, हाँ स्ट्रीम चालू कर दी मैंने। नहीं है ओए मोती, स्ट्रीम चालू कर दिया। ठीक है मुझे तेरे को डीएम कर रहा हूँ कुछ। Why I'm not the admin? Why the fuck? टाइगर भाई क्या बोलते हैं, मैं अपने माइक म्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है, अगर कुछ होएगा तभी माइक चालू करूँगा। हाँ माइक म्यूट कर ले और मोती आप भी डिस्कॉर्ड पे रहना, माइक म्यूट कर देना ठीक है। मैं तो एफके हूं। चलो ठीक है ठीक है, डीएम चेक कर। अरे एडमिन मैं हूं ही नहीं, व्हाट द फक। आया 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 क्या एडमिन? आया 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 ना।
चेक डीएम बीच कौन कौन को बोल रहा है तेरे को? हाँ अरे पॉज नहीं होता है, रुक जा। तो कैसे करना पड़ेगा अगर पॉज करने का? तो वो मैं बता के जाऊंगा, मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ स्ट्रीम पे। हेलो स्ट्रीम अभी डिले ही कहाँ है। चला गया? स्पेक्टेट में आ जा, स्पेक्टेट में चला जा सिंपल। और अब म्यूट कर लो अपना माइक। यो अंशित, अरे पन मेरे को अगर पॉज करना है तो कैसे बाबा? मैं बता के जाऊंगा ना। हाँ ठीक है, स्क्रीन देख रहा है क्या? इन लोग सामने वाले ज्वाइन ही नहीं किए? मेरा स्क्रीन देख रहा है, एक मिनट एक मिनट देख लो। हाँ बोल। टूर्नामेंट चल रहा है क्या? देख रहा हूँ तेरा स्क्रीन देख रहा हूँ बाबा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लेयर मॉडल हटा ले यार। हाँ प्लेयर मॉडल हटा लो, सबके सबके प्लेयर मॉडल हटा दो। इलेवन इलेवन क्यों इलेवन? उसका स्कीमेटिक दे दे और खिला ले, कोई बात नहीं। तांत्रिक लॉन्ग डे नो सी। अरे एजेंट हटा लो भाई प्लीज। इलेवन अभी भी है डिस्कॉर्ड पे तू? नहीं चलो है। हेलो इलेवन, हाँ बोल क्या करने का? इलेवन है डिस्कॉर्ड पे अभी भी करने के लिए? मोती इलेवन डिस्कॉर्ड पे है? डिस्कॉर्ड पे है, वहाँ पर माइक बंद है। ठीक है ठीक है। अरे मैं माइक बंद था मेरा, बोल क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ उनसे कहते हैं उसके वो हटा लें, प्लेयर मॉडल हटा लें सारे। हाँ मैंने अपनी टीम को बोल दिया, उनसे भी कहते सामने भी कहते सबके कहते सबके प्लेयर मॉडल हटा लें। सामने वाला आके बोला हमें, हाँ सबके प्लेयर मॉडल। और लेवन यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेना, वो कहेंगे कि तू यहाँ पे है। मोते आप ये हटा लो लाइव की जो अपने स्ट्रीम कर रहे हो। शेडो, शेडो कौन है? शेडो कौन है? मैंने तेरे कुछ केक करा इसको, कौन है मेरे शेडो है कौन यहाँ पे? शेडो हेलो, किस टीम से ब्रो? ये मोती के शेडो यहाँ पे? मैं ऐसे देख रहा था मैच। अच्छा ठीक है, तो आप म्यूट रखना ब्रो, ब्रो म्यूट रखना ना, लाइव स्ट्रीम देख लो मेरे चैनल पे। चौक गेमिंग पे उसको बोल डिस्कॉर्ड से हट जाने के लिए, डिस्कॉर्ड से हट जा और यूट्यूब पे जा। चौक गेमिंग पे यूट्यूब पे चले जाओ, चौक गेमिंग पे लाइव लाइव हो रही है। और ब्लेज अपना माइक वो ब्लेज कर रहा हूं, सिंपल अपना माइक म्यूट कर ले। चल क्या कर रहा भाई? तांत्रिक लॉन्ग डे नो सी। चल मैं डिस्कॉर्ड से जा रहा हूँ, डिस्कॉर्ड से जा रहा हूँ। हाँ ठीक है बाय बाय। तो कौन सा मैं समझाया उनका ऊपर, मैं सिंपल को समझा के आया हूँ कमांड वगैरह, आ जाओ ऊपर आ जाओ। हेलो बाय बाय भाई। मैं सब कर लूँ। तो गाइज आज का पहला मैच है ब्रोकन वर्सेस 3A2B का, ठीक है गाइज। इसके बाद एक मैच और होगा, दो ही मैच होंगे आज।
बाकी एक मैच कल होगा। बात क्या है, जो प्लेयर्स हैं उनके एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो टाइमिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। हेलो रूल भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। 11 खेल रहा है अपना। यो ईशान, पहला मैप जो इनका है, एक ही मैप है, बेस्ट ऑफ वन है। ओवर ओवर पास उन्होंने चूज किया है। और बताओ तुम सब कैसे हो भाई लोगों। तो गाइस ये टीमें आने लगी हैं, सर्वर को ज्वाइन करने लगी हैं। सबके रेडी होने का वेट हो रहा है, सब प्लेयर आ जाएं, सारे प्लेयर आके रेडी हो रहे हैं। मोती टीम नेम चेंज कर देना, टीम नेम आवाज आ रही है मोती? ओवर पास, ओवर पास। मैप ओवर पास। यस 128 टिक दो सेड।
मैच स्टार्ट होता हुआ नाइफ राउंड, तो मैं बता देता हूँ नाम चेंज नहीं हुए हैं दोनों टीमों के। तो सिटी में तो खेल रही है आपकी ब्रोकन और टीमें खेल रही है अभी 3A2B। हेलो ब्रो, हाउ आर यू ब्रो? ओके ब्रो, हाउ आर यू? तो नाइफ राउंड होता हुआ, इसके बाद पता लगेगा कौन सी टीम किधर जाएगी। से मिड की तरफ जाते हुए सबके सब ओवर पास के लिए आई थिंक सो नाइफ राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि सिटी साइड जैसे एक बात होता हूँ ओवर पास मेरे नजरिए से दोनों साइडों के तरफ है। ए भी अगर यहाँ पे अच्छी तरह खेले तो राउंड निकाल देती है, और सिटी भी अच्छा यहाँ पे अच्छा खासा कवर कर सकती है। तो ये राउंड जीता है, नाइफ राउंड जीता है ब्रोकन ने, ठीक है ब्रोकन ने राउंड जीता है, और ये सिटी ही सिलेक्ट करेंगे आई थिंक सो। हाँ या सिटी सिलेक्ट किया। मैच का पहला टूर्नामेंट का पहला मैच शुरू होता हुआ, पहला राउंड गाइस एंड लेट्स गो। और ये पूरा बी पुश होता हुआ इनका, पूरा बी पुश होता हुआ तांत्रिक ने जैसे पूरा का पूरा हेडशॉट पे हेडशॉट। 2v2 हो गया स्टार्ट, ड्रैगन वर्सेस ब्लैक फायर एंड विस, और इधर 11 भी आ गया। अब ड्रैगन 1v1 हो गया, और पहला राउंड 3A2B ने जीता। डीकल्स ऑफ वोस बाय किया है, उधर से जो टी का रोटेशन आ रहा है वो स्प्लिट है, दो बंदे बी आ रहे हैं और एक बंदा शॉर्ट की तरफ कनेक्टर से डूफी कनेक्टर पुश होता हुआ। बी की तरफ पूरा बंदे अब पूरा भी होता हुआ, एक और राउंड 3A2B के पास। राउंड नंबर थर्ड की तरफ चलते हुए फुली हुआ, सिटी वालों का फुली हुआ है। सो ये राउंड भी कोई दिक्कत नहीं होगी 3A2B को जीतने में, फिर से बी पुश है वही एग्रेसिव, तीसरी बार बी जा रहे हैं थर्ड टाइम। कनेक्टर में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3v2 होता हुआ, अगर यहाँ पे एक और जना मरता है तो फिर 3A2B को दिक्कत होने वाली है, बहुत दिक्कत होने वाली है। और यहाँ पे 3v1 हो गया, इको राउंड जीतना गाइस समझ लीजिए बहुत ज़्यादा, और उनके पास अच्छा खासा मैक्टन आ चुकी है, दोनों पे एक पे गलील भी आ चुकी है, बहुत मुश्किल है ये राउंड निकालना 51 HP के साथ। विल ट्राई सेड, सबको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा ब्रो, विल ट्राई। गंदी जगह पे प्री मारते हैं, वहाँ पे बैठा नहीं है। और ये राउंड खाता खुलता हुआ इको के साथ, ब्रोकन का खाता खुला गाइस इको के साथ। या दे गॉट द बॉम्ब, ऑप आ गई, बिग गन्स आर आउट, AK ऑप्स M4 गलेल यूज करेंगे, स्नाइप 97 MC स्नाइप 97। और यहाँ पे सिर्फ एक बंदा जो है वो इस समय वॉशरूम के पास खेल रहा है, तांत्रिक अकेला वॉशरूम के पास।
या फिर से इनका ब्लीज स्प्लिट है, कनेक्टर और एक बंदा बी है, बाकी एक जना आउटसाइड है, ओपी ऑप लेके बाहर है एग्रेसिव। इसने कनेक्टर में एक जने को मार दिया और यहाँ पे फिर से इनका रोटेशन होता हुआ। बॉम्बर बी जाता हुआ, बी पे कोई बंदा नहीं है इस समय, एक बंदा आया शॉट पे, एक बंदा बैठा हुआ है जो कि कनेक्टर के अंदर है, कनेक्टर के भाग आया। 11 था, मार दिया। बी बंदा है पूरा, और ड्रैगन के पास ऑप जो कि वो हेवन में लगा के आराम से बैठे हैं, लगन नीचे आते हुए वापस आते हुए। नो स्कोप ओपी का, नाइस नो स्कोप। और ये 1v3 11, इसको ड्रैगन को सेव ही करना होगा, सेव इज द बेटर चॉइस। चलो नाम भी चेंज हो गया, ब्रोकन वर्सेस 382 भी हो गया। यहाँ पे अगर स्कोर कार्ड देखा जाए तो इस समय सबसे ज्यादा ब्लैक फायर ने मारा है, फिर रोकी ने मारा है, फिर वेस, फिर डोफी, फिर पायलट, बाकी उधर तांतिक ने मारे चार गेम। सेव का सही निर्णय था। फिर से एक इको कर रही है डीगल्स के साथ ब्रोकन, और इनके पास पूरा सामान है। तो ये राउंड 382B को जीतना चाहिए, लेकिन जैसे इको राउंड को ब्रोकन ने बाहर निकाला, अगर फिर से ये राउंड हारती है 382B तो दिक्कत होगी उनसे। ओ बहुत ही बढ़िया शॉट तांत्रिक ने मारा, बहुत ही बढ़िया शॉट, टीम फ्लैश हुआ था और टोपी लॉन्ग में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया। अब 4v3 फिर से वही चीज़ होने लगी है, इको राउंड में फिर से वही पुश, और पुश काफ़ी अच्छा बी की तरफ जाते हुए सबके सब 382 फिर से बी को बनाते हुए, और कनेक्टर में उनका एक बंदा है, बी पूरा खाली है, बी पूरा खाली है। और ड्रैगन नीचे से आते हुए एग्रेसिव, और पायरेट शॉट पे मैं तो एक जना शॉट को स्पॉट कर लिया है, शॉट पे एक जना स्पॉटेड है, मर गया। आखिरी बंदा जो अभी भी शॉट है, नहीं हाँ शॉट आ रहा है, विस्मेनिया शॉट आ रहा है, आखिरी बंदा और ये भी खत्म, दे हैव क्रेट्स। और ये राउंड गया ब्रोकन के पास, फिर से एक इको को विन में बदलते हुए ब्रोकन, बहुत बड़ी बात है भाई। आप व्हीकल्स बाय करते हैं, एक सिंगल ऑप है और एक के सामने आप मर जाते हैं, एक एक एको को मार देते हैं, बहुत बड़ी बात है। अब 382 की इकोनॉमी पे फर्क पड़ता हुआ, एक मैकटेन है, चार एक ही है, ऑफ कोई नहीं है, इधर एक ऑफ है, तीन M4 और एक एक है। क्या वीटो कब है हमारा? आपका वीटो है 5:20 के आसपास, ये मैच खत्म होने के बाद। 5:20 के आसपास है, अच्छा 5 बजे का मैच है हमारा, लेकिन लेट हो गया। आप क्लासिक 5 हो ना? ना प्रिसीजन। हाँ तो आपका 5:20 का आसपास है, अभी मैं लाइव हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? ठीक। या बहुत है इको राउंड पे बाय ब्रोकन, और इनका जो स्प्लिट है इस बार एक ही तरफ आता हुआ, ए एग्रेसिव होते हुए इस बार, सब सारे के सारे प्लेयर लॉन्ग से एक जना, बाकी जो तीन है वो शॉर्ट से, एक जना मर गया, ड्रैगन ने एक को मार दिया, बाकी दो वाटर वॉशरूम सॉरी और एक लॉन्ग। क्या ये राउंड निकाल पाएगी? नाइस, दो लोगों को मार दिया। अभी 2v3 का मुकाबला है, जिसमें से दो जने, एक जने की HP काफ़ी कम है और एक की हेल्थ कम है, दोनों पीछे से आते हुए। नाइस,
इनको लगता है कि एक ही जना है, बल्कि दोनों पीछे से आ रहे हैं। और एक और को मार दिया, रूफी अकेला जिसकी एचपी लो है। और ये राउंड भी ब्रोकन के पास। थ्री थ्री के राउंड बराबर ब्रोकन और थ्री के टू बी का। इस बार फिर से ये रश करते हुए ऑल इको हैं और फुल ए की तरफ कमिट करते हुए जितना मुझे लग रहा है। सारे के सारे प्लेयर ए की तरफ कमिट करते हुए। जिसमें से पायलट काफी आगे आ चुके हैं और पीछे से पूरा लर्क हो चुका है। एक बंदा पूरा पीछे से लर्क हो चुका है ब्रोकन का, पूरा उन्हें पता है कि बंदे कहाँ पे हैं, सबकी पोज ही पता है उन्हें कि वे दे आर। और बहुत ही अच्छा ये पूरा राउंड जाता हुआ ब्रोकन के पास, पूरा राउंड। या प्रेडिक्शन कास्टर, उनका पूरा एक ही तरफ ही था जितना वो घुस रहे थे। और ये पूरा राउंड किया ब्रोकन के पास, ब्रोकन किया फाइनली। एक पहली बार लीड हुई है, अब तक 3A 2B की लीड थी लेकिन अब पहली बार लीड हुई है ब्रोकन की एक राउंड के साथ। वहाँ पे 5 AK है, यहाँ पे एक ऑफ और 4 M4। बी की तरफ अप्रोच है इनका, बी की तरफ फिर से अप्रोच है। इसमें से चारों बंदे, चार दो बंदे अब शॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। एक बंदा 11 पूरा घूम के आ चुका है और 11 को मार दिया। और नाइस ट्रेड तांत्रिक का, बहुत अच्छा ट्रेड, बहुत प्यारा ट्रेड, किसी और को मरने नहीं दिया उसने। स्पॉट हो गया, ओपी स्पॉटेड है और टैग्ड भी है काफी। जो ये डोफी है ये साइड को एग्जीक्यूट करते हुए गार्बेज का उन्होंने स्मोक डाला है और स्पॉट हो गए। नाइस, 11 को मार दिया बॉलिंग में चलते हुए। और ये डूपी को भी निकाल दिया। जीपी आ गए बेस और यहाँ पे जो ड्रैगन है वो टैग्ड है। ड्रैगन मरते मरते एक जने को मार के मरे और बेस को काफ़ी टैग दे दिया। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा स्मोक के थ्रू। स्पैम पता था वो बंदा खड़ा होगा और तभी उन्होंने उसको स्पैम मार दिया। बहुत अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है 3A 2B थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए वो समझ नहीं पा रहे हैं कैसे एग्जीक्यूट करें। पीछे से बंदा पुश कर देता है एक ना एक कोई बार बार। और ब्रोकन काफ़ी अच्छा गेम समझते हुए इस समय। एक गलिल, 4 AK, 1 AK और 3 M4 एक ऑप के साथ ब्रोकन और 3A 2B का 9th राउंड। बी के इस तरफ एग्रेसिव है, शॉर्ट की तरफ फिर से बंदे और फिर से वही गलती करते हुए, फिर से वही गलती करते हुए थर्ड टाइम वो शॉट की तरफ मारे थर्ड टाइम। और पीछे से एक जन ने पुश करा, दोनों को मार दिया 11 ने।
इकोनॉमी खराब होती हुई, 3K2B की इकोनॉमी खराब होती हुई। इलेवन वगैरह के रैंक हैं, SMFC, DMG, LE ये सब हैं, MG2, MGE भी एक जना, SMFC है 11, वो सबसे हाईएस्ट प्लेयर है, सबसे हाई रैंक वाला प्लेयर है अभी तक का। और ये पूरा बिखरता हुआ इनका बी पे, बॉम्ब के पास एक पायरेट अकेला बैठे हुए हैं, बॉम्ब ड्रॉप है, पुश हो रहा है, दोनों तरफ से पुश हो रहा है, और एक को मार दिया पर स्पॉटेड है और गन चेंज के चक्कर में मर गए। राउंड हो चुके हैं 10 और लीड है ब्रोकन के पास 17 से। डीगल्स, ऑल डीगल्स जो ली है 3A2B ने, क्या ये डीगल उससे कमाल होगा, क्या कुछ शॉट लगेंगे हेड पे और क्या राउंड निकलेगा, बहुत बड़ा सवाल। राउंड नहीं निकलेगा तो मैच जरूर निकलेगा, ब्रोकन के लिए मैच निकलेगा। ओपी ने एक अच्छा शॉट मारा पर उसका ट्रेड हो गया, तुरंत ट्रेड हो गया उसका। और थोड़ा सा टैग देते हुए स्नाइप 97 को फायर, उधर पायलट बहुत ज़्यादा अपने HP गवा चुके हैं फाइट के अंदर। तीन प्लेयर ए लॉन्ग पुश करते हुए, रोफे वेज और ब्लैक फायर, उन्हें पता है बी ए से ए लॉन्ग से बंदे आ रहे हैं, स्पॉटेड हैं और एक मरा दूसरा, और बहुत प्यारा शॉट बिजने बहुत प्यारा शॉट मारा उधर, उन्हें पता है लॉन्ग स्पॉटेड था तो बी पे एक जना रहेगा, शॉट से पुश कर रहा है कनेक्टर की तरफ एक जना, उन्हें पता है प्रिडिक्शन है कि कनेक्टर से ही आ सकता है आएगा तो, और बहुत प्यारा शॉट भी इसका दूसरा, पर टैग बंदा था इसलिए मर गया। बी की तरफ रोटेशन आता हुआ और वो दोबारा से ए की तरफ जाते हुए, लेकिन ये देखिए ड्रैगन अभी वहीं है, अगर बंदा नहीं आएगा वो तुरंत रोटेट करेगा ए पे, तुरंत रोटेट किया ड्रैगन ने ए पे, इसे कहते हैं अच्छी टीम। और ड्रैगन को पता है आ गए, ड्रैगन ने कॉल दे दी आ गए, और प्लांट होता हुआ और एक जना गया, ब्लैक फायर अकेले 2v1 में फंसे हुए, क्या निकाल सकते हैं, HP है, आर्मर है, लेकिन नहीं ड्रैगन ने उसको मना करा, नहीं जा सकते। और ये मैच पहुंचता हुआ 18 की तरफ, ऐसा वही 5 AK और नो ऑप। मैं सजेस्ट करूंगा वहां पे एक ऑपर होना चाहिए था, टी सिटी में ओवरपास में ऑपर चलते हैं, जरूरी पड़ता है। और ओपी की काफी HP जा चुकी है और एक ब्लैक फायर मर भी चुका है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमाल करना पड़ेगा 3A2B को। और यहाँ पे कनेक्टर पे दो बंदे खेल रहे हैं, रोफी वापस जाते हुए, पता है वहाँ पे दो से ज़्यादा की प्रेजेंस है तो पीछे हटते हुए। और बी की तरफ एक एक जना पहुँच चुका है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, 1v5 का क्लच है ये, और एक को मारा वहाँ पे, सब के सब झुंड की तरह आते हुए, शॉर्ट से बंदे आते हुए, बैक से बंदे आते हुए, हर तरफ से बंदे आते हुए, विंडो बंदा आता हुआ और खत्म। या बेस्ट ऑफ 1 है, नॉकआउट है, हारोगे तो बाहर निकलोगे, जीतोगे तो आगे बढ़ोगे, बेस्ट ऑफ 1 का मुकाबला है ये।
एक भी बार टाइम आउट नहीं लिया 3A2 भी ने डिस्कस करने के लिए। टाइम आउट मिलते हैं इसीलिए कि अगर हारो तो टाइम डिस्कस करो टीमों से, लेकिन अगर गेम चलता रहेगा तो राउंड भी हारते चलोगे। एक ही तरफ एग्रेसिव पोस्ट, एक जना मरा और ट्रेड लिया ओपी का, दो जने मरे, तांतिक का ट्रेड लिया ब्लैक फायर ने, पायरेट स्मोक डालते हुए, फ्लैश डालते हुए। पीछे से बंदा आता हुआ लेकिन नहीं मार पाया उसको, ब्लैक फायर और बेस दो जने बचे हैं, दोनों ही शॉर्ट की तरफ हैं और एक को मार दिया, 2v2 का वापस हो गया। एक जना बी पे है रोकन का और एक जना कनेक्टर पुश कर रहा है। बॉम्बर अभी भी मॉन्स्टर के बाहर ही है टी स्पॉन की तरफ, और एक ही जने ने दोनों को मार दिया। नाइस, तो ऐसे इनका ए इस बार ए हो रहा है। ये लॉन्ग की तरफ बंदे जाते हुए, वही 5 AK सेटअप, ब्रोकन ने 11 को, 11 मर गया, नाइस, ब्लैक फायर ने 11 का 11 को मार दिया। और क्या ये 4v5 का एक राउंड जीत पाएगी 3A2 भी? डूफी कनेक्टर पे बॉम है, डूफी के पास बॉम है, वो कनेक्टर पुश करते हुए सोच रहे हैं जाए नहीं जाए, नीचे कोई बंदा भी हो सकता है तो जस्ट होल्ड कर रहे हैं अभी। फिर से बी की तरफ जाते हुए और आवाज दे दी, पूरा साउंड दे दिया भाग भाग के आते हुए, और ट्रेड ले लिया पायरेट ने उसका, डिस्ट्रैक्शन और बंदे ने पुश करा और ट्रेड ले लिया। यहाँ पे दो बंदों को तांतिक ने अकेले निकाल दिया और यहाँ पे ऑपर भी है, तांतिक खुद है वहाँ पे, तांतिक को मार दिया, 2v3। और ये राउंड क्या जाएगा, अगर यहाँ पे नेड आता है तो खत्म है मामला, एक का मामला खत्म है कि साइड पे नेड आता है। दूसरा बंदा कनेक्टर से आता हुआ और काफी काफी लो HP कर दी उसने डूफी की, नाइस, 1v2 हो गया। क्या डूफी ये डिफेंड कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल, क्या डूफी ये डिफेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाए। एक और राउंड जाता हुआ ब्रोकन के पास, 11-3। बी एग्रेसिव, बार बार बी एग्रेसिव शॉट से एक बंदा पुश पहले ही कर चुका है और सेम वही परिणाम, डेड। और यहाँ पे पायरेट ओपी और विज ने एक एक ट्रेड निकाला पर ट्रेड हो गया पायरेट का, ओपी काफी अच्छा खेलते, शॉट पे विज और शॉट पे विज मर गया। 1v2 हो गया ये, 11 को देखते हैं, 11 वर्सेस ब्लैक एंड ओपी और नहीं जीता। आखिरी राउंड जो था वो 3A2B ने जीता। क्या 3A2B कमबैक कर पाएगी? बहुत बड़ा सवाल। अगर ये राउंड पिस्टल राउंड ब्रोकन ने जीता तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे शायद गेम खत्म है, क्योंकि फिर 12th राउंड हो जाएगा और फिर 13th राउंड इको, 14-15 राउंड, दो राउंड बचेंगे जिसमें किसी कमबैक के चांसेस होंगे 3A2B से। तो ये राउंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों टीमों के नज़रिए से। यहाँ पे 11 एग्रेसिव पुश होता हुआ ए की तरफ सीधा भागते हुए, हो सकता है कनेक्टर से बी चले जाएं बाद में, ए पे प्रेजेंस दिखा के
क्योंकि माइंड गेम खेलने में बहुत होशियार है लोगन। सब पीछे हट गए, रीटेक खेलेंगे। कॉल दे दिया कि प्लांट लाओ, कॉल दे चुके हैं प्लांट बॉम्ब लाओ, सबके सब पीछे हट गए हैं और बंदे आते हुए प्लांट देते हुए। नाइस। और यहाँ पे सबके सब टैग होते हुए, सबके सब मरते हुए, सबके सब मरते हुए और सबके सब मरते हुए। ये बीपी नहीं है रूल भैया। यहाँ कोई इंटरनेशनल नहीं चल रहा है, इंडिया नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल की बात ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, वो बंदे बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। पूरा लॉन्ग पुश होता हुआ, पूरा मॉन्स्टर से लॉन्ग पुश होता हुआ और पूरा राउंड ब्रोकन पे जाता हुआ। कोई चांसेस नहीं, क्या ही कह सकते, सबके सब मरते हुए। एक और राउंड ब्रोकन के पास 13-4 हो चुका है और सिर्फ 6 राउंड दूर है, सॉरी 3 राउंड दूर है ब्रोकन सेमीफाइनल्स में आने के लिए। इजी पीजी। इनका बाय हुआ है, सेमी बाय कह सकते हैं, फोर्स बाय कह सकते हैं। यहाँ पे 2 M4 और 2 फार्मर्स हैं। बंदे पूरे पुश करते हुए और मुझे लगता है ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन ट्रेड नहीं ले पाए, पायलट मार नहीं पाए। और ओपी कनेक्टर से आते हुए साइड की तरफ, यहाँ पे 3v3 है। सिटी के पास ये राउंड जाना चाहिए क्योंकि बॉम्ब भी जो है वो ओपी के पास है। यस, ये राउंड जितना मुझे लगता है अगर शट डाउन नहीं हुआ, ये राउंड गया 3A 2B के पास। इस बार डीकल्स और एके के साथ गए हैं, फिर से बाई किया है। मैं कहता कि शायद यहाँ पे इन्हें एक ईको करना चाहिए था 11 को, ग्लेन की टीम को, ब्रोकन को, पर कोई ना, अभी वो खूब मोरल काफ़ी हाई है। और एक किल सीधा, बहुत ही एग्रेसिव स्नाइप 697 है, एक किल निकाला, बहुत ही अच्छा एग्रेसिव शॉट। और ट्रेड भी हो गया, एक डोफी भी मर गया, ओपी भी मर गया, पूरा ट्रेड हो गया। यहाँ पे बी पे एक बंदा है और ए पे एक बंदा है। अब ये 2v4 का मुकाबला क्या जीत पाएगी। और गया, पायरेट भी गए, सबके सब जा रहे हैं, डोफी गए, पायरेट गए, ओपी गए। क्या विस 1v4 की सिचुएशन में क्लच कर पाएगा, बहुत बड़ा सवाल। और मुझे लगता है यहाँ पे इनका भी काम खत्म, 14-5 होता हुआ स्कोर। 2 राउंड और चाहिए ब्रोकन को बस, और फिर ये मैच क्लोज हो जाएगा। स्ट्रीम को मेरी 25 मिनट हुए हैं और मैच खत्म होने को आ गया। अंशुल, वो अंशुल भैया, वो सारे ना सारे के सारे लेजेंड हैं और पिछला टूर्नामेंट जीत के आए हैं वो बंदे। हर किसी को किसी कहना है ना। और यहाँ पे एक और खत्म होते हुए, बहुत अच्छे डीकल के शॉट विस की तरफ से। 3v3 होता हुआ ये, पर ब्लैक फायर नहीं मार पाए, ब्लैक फायर को एक ड्रोन निकालना था उधर। पायरेट का, पायरेट को मार दिया, डोफी बन भी थी सिचुएशन में पर डोफी नहीं निकाल पाए। एक राउंड और दूर है ब्रोकन और ये मैच खत्म हो जाएगा। एक राउंड और,
और डोफी कनेक्टर पुश करते हुए शॉर्ट कितने वैगरेसिव हैं लोग बहुत सारे, एक कनेक्टर भी हैं और कनेक्टर वाले को नहीं मारते, पूरा बी साइड क्लियर है। मुझे लगता है यहीं ख़त्म हो जाएगा पूरा मैच, और एक ही तरफ जाते हुए उन्हें पता है पूरा रोटेशन भी हुआ होगा इसमें, लेकिन पायरेट वापस आते हुए या एक भी टाइम आउट नहीं लिया। मुझे यही चीज़ गलत लगती है, जब दो टाइम आउट दिए गए हैं तो यू शुड टेक द टाइम आउट एंड पूरे दोबारा सोचना चाहिए कि हमसे गलती क्या हो रही है। टाइम आउट दिए इसलिए जाते हैं कि और यहाँ पे ब्लैक फायर बंदों को मारते हुए 1v1 सिचुएशन में आते हुए 11 पूरे हाइड आउट हैं, पूरे हाइड आउट 11 डिफ्यूज करते हुए, कोई जनरल सामने नहीं आया, किट भी नहीं है ब्लैक फायर पे। तो ये मैच यहीं ख़त्म होता हुआ और ब्रोकन जीत चुकी है पहला मैच, ब्रोकन गोज टू सेमी फाइनल। जी जी वेल प्लेड ब्रोकन। दूसरे मैच के लिए बने रहिए हमारी लाइव स्ट्रीम पे, वीटो करवाते हैं, लेट्स टेक वीटो। मोती मोती देखो दूसरे बंदों को बुलाओ वीटो के लिए, मैं कॉल करता हूँ दूसरी टीम को। नाइस गेम ब्रोकन, नाइस गेम। अब ब्लेज बैठेगा सिंपल की जगह, ठीक है ठीक है, सिंपल को हटा दो और मैं दोनों को कॉल कर रहा हूँ। ब्रोकन भाई, ब्रोकन तो ऑब्वियसली जीतेगी। और मैं कह रहा हूँ उसको बुला लो, इनसेन को मैं कॉल कर रहा हूँ, जो आपका आपकी टीम थी ना मोती, उनको बुला लो, उसको मैसेज कर दो। ब्रोकन इजी, इनसेन को कॉल कर रहा हूँ मैं। हेलो, अच्छा उठा रहे हो को। हेलो हेलो ऊपर, हेलो हेलो इनसेन, आ जाओ आप डिस्कॉर्ड आ जाओ चो गेमिंग के, आपका वीटो हो रहा है, आ जाओ आ जाओ। मोती क्लासिक भी आ रही है, आप उनको बुला लो, क्लासिक भी आ रही है और वी आर लाइव, वी आर स्ट्रीम लाइव, ठीक है। और ब्लेज बाद में बात करते हैं, कांग्रेचुलेशन 11 बाद में बात करते हैं ना, लाइव में अपन। ओके ये क्या फालतू का कंपटीशन है भाई, पैसा दे दो इनको 11 को पहले ही। ऐसी बात नहीं है, और भी अच्छी टीमें हैं ठीक है ना, अभी 11 की ये जो है ना दोनों की टीम अच्छी है, ये जो अभी अभी जिसका हो रहा है और जिसके साथ हो रहा है ना, दोनों अच्छी टीमें हैं। इनसेन भी अच्छा खेलते हैं, इनसेन आ रहे हैं चौक गेमिंग के, अभी आ रहे हैं आगे शायद। हाँ नहीं रुको, गब्बर आए ये तो, गब्बर ये गब्बर ये अमन से नहीं है क्या, गब्बर है गब्बर, कमेंट्री करोगे मेरे साथ? हाँ हाँ श्योर श्योर, ठीक है ठीक है, मैं आईपी दे दूंगा, गो टीवी का आईपी दे दूंगा आपको, ठीक है। वो आ रहे हैं, जमात नहीं लग रही है यहाँ पे, कोई पार्टी नहीं हो रही, बाद में बात करेंगे अभी, या वीटो चल रहा है अभी। अंशुल भैया वीटो चल रहा है, स्ट्रीम ऑन है, गांजा पी ऐसे चलेगा ना, ठीक है ठीक है, मैंने कह दिया वो आ रहे हैं। मैं क्या कर रहा था, शिट भूल गया मैं, पांच मिनट में आ रहे हैं दूसरी टीम बीटो के लिए। अच्छा भाई जो मैं हमारे पांच मिनट रुक जाए ना, पांच मिनट में आ रहे हैं। ओके ओके, मैं उन्हें ना जब तक एक बार और डिस्कॉर्ड का लिंक दे दूं सो ही कैन जॉइन यू। क्या कह रहे हो मोती, आपका स्ट्रीम लैग हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है लैग, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तेरा तेरा नेट खराब है, ठीक है, तेरा टट्टी नेट है, मेरा जीरो फ्रेम ड्रॉप है, मेरा फ्रेम ड्रॉप जीरो है, बिल्कुल नहीं अटकेगा, ठीक है। मैं दिखाऊं आपको, आप जरा जरा नीचे रहो, थोड़ी देर जरा नीचे रहो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, भेजा मैं। क्या कह रहे हो, इधर क्यों आ गया, नीचे जा, ठीक है आप नीचे आ जाना, दोनों बात कर लो, नीचे आ जाना। आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं, बस अभी वीटो करवाते हैं आपका, एक सेकंड आया मैं, जस्ट एक सेकंड में। हाँ आ जाओ, वो भी आ रहे हैं, दो मिनट में आ रहे हैं।
गबरू गब्बर गुगू या नो लैग, वो ऐसे बोल रहा है, नोबड़ा है वो। सिंपल सिंपल, तूने लाइव देखा? अरे मैं लाइव ही देख रहा हूँ कब से, आपका थोड़ा अटक रहा है ऐसे बीच में, मेरा मेरा नेट नहीं लग रहा है। एक रूल कह रहा है कि कोई भी लैग नहीं है, रूल कह रहा है नो लैग ब्रो, रनिंग सेक्सी है 720p इजी। हो ही नहीं सकता भाई, लोग का फोन अटक रहा है फिर। तेरे तेरे में प्रॉब्लम है, पहले बता रहा हूं मैं, मेरा फ्रेम ड्रॉप नहीं है बिल्कुल भी। आपको आईपी दे रहा हूँ गोटी वी की, ठीक है? सिंपल को गोटी गब्बर को क्यों दे रहे हो? गब्बर बैठेंगे ना, गब्बर करेंगे, कमेंट ही करेंगे मेरे साथ। गब्बर को दे दी मैंने पीएम में, मैं बोलूंगा ना नूबड़े क्या खेल रहे हैं। वाह भाई, यहां पे खत्म भाई, इसकी कमेंट्री यहां पे खत्म। गाइस चैट में वीटो आती रहेगी, ठीक है ना? मैं दूसरे के वीटो चैट में लिखता रहूंगा, क्या बैन हो रहा है, क्या किसने पिक किया है। रनिंग सेक्स एट 720p ब्लेज भी आ गया, मैच देखने हैं, सब आ गए भाई। मैच इतना बढ़िया जा रहा है, अभी तो मैच होंगे भाई, फाइनल देखो, बेस्ट ऑफ थ्री होगा, उसमें देखो क्या मजा आएगा। आपका पिन चेंज करो। क्या पिन चेंज करो? वो क्या बोलते हैं, वो चैट में जो पिन रहता है ना, आप जो पिन करते हो। हाँ, दूसरा मैच चेंज करता हूँ, रुको लेट्स मूव पिन। दूसरा मैच किस किस के बीच में? एक तो है क्लासिकल सेवन, क्लासिक फाइव, सॉरी क्लासिक फाइव वर्सेस क्या नाम है दूसरी टीम का, नाम भूल गया मैं, टूर्नामेंट इसमें होगा ना, ये रहा ये रहा। एस क्रीम आ गया तू नुबड़ा साला, मैं तो सिर्फ तुझे गाली देने आया था भाई। एक और बार क्या एक बार? बस इंसेन आ जाए फिर वीटो करते हैं। 5 मिनट बोला इंसेन ने, बताओ भाई, पहले बैन करेगा या लास्ट में पिक करेगा? टेल आया है ना, हाँ टेल आया ना, तो हार गए ना टॉस, इंसेन हार गए टॉस, ठीक है ना? तो एरिस बता पहले पिक करेगा या बैन करेगा, मतलब लास्ट में पिक करेगा या बैन कर? पहला बैन मेरा ही है ना। चल बैन कर, बर्टी को बैन कर रहा हूँ मैं। अरे रुक जा, बर्टी को बैन हो गया। दूसरा, अरे रुको भाई, सबर करो। अभी बोलो, स्ट्रीम देख के बोलता रहा जो करना है। स्ट्रीम देख के बोल सकते हैं? देख सक बोल सकते हैं। पहला बोला ना उसने वर्टी को, इट इज क्या क्या वर्टिको बैन हो गया है ना? हाँ हाँ हाँ, ओके न्यूक बैन है मेरा। ट्रेन डी टू ओवर पास मिराज बैन है, इन्फर्नो पिक कर। ठीक वैसे नाइफ राउंड हो रहा है ना? ठीक ठीक चल, माय फ्रेंड हो रहा है ना टाइगर? यस यस हो रहा है, हो रहा है। आईपी किधर है? आईपी मिलेगी क्या?
हाँ देंगे देंगे मोटी मेरे को डीएम कर देना तो मैं निकलूँ अब या गुड लक दोनों को गुड लक इनसेन गुड लक चला गया अभी गुड लक बोल रहे हो हाँ चलो चलेगा ना ठीक है उनको भी गुड लक चले गए तो भी गुड लक चलो चलो ओके मैं भी मिलता ब्लेज लाइव आईबी पे रहना है आपको गब्बर आप मेरे साथ रहो नीचे सपोर्ट पे वो भी आ रहे हैं वो लोग भी आ रहे हैं कौन आ रहे हैं फाइल फाइल आई डोंट नो वो भी आ रहे हैं देख लेते हैं अभी खेलने आ रहे हैं क्या हाँ नहीं नहीं छह को छह को आज आ रहे हैं आज छह बजे मैं तो एक एक दोनों आ रहे हैं दोनों आ रहे हैं ना कुछ ये नहीं पता बस फाइल ने मेरे को मैसेज किया ठीक है मैं देखता हूँ नीचे आ जाओ सपोर्ट पे गब्बर और आईपी ज्वाइन करो जा रहा हूँ मैं कुछ काम हो ब्लेस मुझे नीचे बता देना सपोर्ट पे हूँ ठीक है कोई प्रॉब्लम आए तो कोई काम नहीं होगा नहीं प्रॉब्लम आए तो ठीक है चलो क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा तो लेट्स गो फॉर सेकंड मैप हेलो स्पॉन भाई आईपी नहीं है मैं तेरा स्ट्रीम देख रहा हूं भाई तेरा स्ट्रीम से देख लूंगा ठीक है ठीक है दूसरी टीम कौन से थे जो बोल रहे थे टीम लॉस्ट थी शायद वो कंट्रोल भी किसने स्पॉन्सर किया है ये टूर्नामेंट को किसी ने नहीं करा ये बस मोती उनका लस्टी भाई का सर्वर है बाकी हम सब खुद कर रहे हैं अच्छा ये जीनेशन का क्या है एक मिनट एक सेकंड रुकना गाइस Dust2 खेला जा रहा है क्या? What? Dust2? चलो मैं देखता हूँ लाइव स्ट्रीम टाइगर भाई आपका माइक बंद है आवाज नहीं आ रहा आपका यूट्यूब पे अच्छा यूट्यूब पे आवाज नहीं आ रहा एक सेकंड नहीं नहीं आ रहा है आ रहा है भाई मेरा आवाज बोल ही नहीं रहा था हां मैं कुछ बोल नहीं रहा था इसलिए माइक पे आवाज नहीं आ रहा है ठीक है ठीक है ठीक है चलो मैं डिस्कॉर्ड छोड़ रहा फिर वापस
चलो दूसरा मैच स्टार्ट होने वाला है, क्लासिक 5 वर्सेस प्रीशियस गेमिंग का। व्हाट, पहला मैच हो चुका है, कौन पहला जीता? मैच हो गया ना, ब्रोकन जीता। स्कोर क्या था? स्कोर था 16-5 या 16-4 था, ऐसे कुछ 5 था शायद, पक्का नहीं पता, 16-5 के आसपास ही था। ये लास्ट मैच है आज का, इसके बाद कोई मैच नहीं होगा, इसके बाद कल मैच होगा, होप सो कल होगा या परसों होगा, देखते हैं इसके बाद कब मैच होगा। इंसेन आ चुके हैं, सैंडी भी आ गए। पिंग क्या आ रहा है इनका? पिंग हाई रहेगा, सैंडी का हाई रहेगा, सैंडी बाहर से खेल रहा है, इंडिया से नहीं खेला वो। अच्छा, सैंडी का पिंग हाई है, वो बाहर से खेल रहा है इसमें, इंडिया से नहीं। ये कोई प्रो प्लेयर का भी नाम है क्या सैंडी? मुझे नहीं पता, हो सकता है, होने को हो सकता है, किसी प्रो प्लेयर का नाम है सैंडी। इन्फर्नो इन्होंने पिक किया, इन्फर्नो का मैच होगा, मैच इन्फर्नो पे होगा। ब्लेज वाली टीम रोल, ब्लेज वाली टीम तो कोई नहीं है, कितने टीम है? 5 टीम है क्या? हाँ, 8 टीम है, 5 नहीं 8 टीम है। अबे सेमीज के लिए हो रहे हैं मुकाबले, क्वार्टर चल रहे हैं, सेमी के लिए हो रहे हैं। अच्छा, 8 टीम है। 3-8-2 भी पॉग। अरे इसके बाद जो मैच है ना उसमें बड़ी भसड़ चल रही है दोनों टीमों की। एक टीम कह रही है वो खेलने की आज है अवेलेबल, एक टीम कह रही है वो आज अवेलेबल नहीं है, उसके बंदे चले गए सुबह। जो टीम कह रही है कि आज अवेलेबल नहीं है, वो कह रही थी मैं आज खेल लूंगी, मतलब उल्टा हो गया है। जो कह रहा था आज खेलूंगा वो अब आज नहीं खेल रहा है, और जो कह रहा था आज नहीं खेलूंगा वो आज खेल रहा है। अब बताओ क्या ही तमाशा है भाई। इसलिए आज नहीं तो आज चारों मैच करवा देता मैं। एक टीम है जो वीकेंडों पर फ्री होगी, तो एक टीम का सैटरडे को होगा, संडे को फाइनल होगा, सैटरडे को सब खत्म करवा के तमाशे को संडे को फाइनल रखेंगे। संडे को ही हम सेमीफाइनल करवा देंगे आज के बाद। बहुत दिक्कत होता है यार, पेपर और चल रहे हैं सबके यार, रबर पेपर। पेपर क्या क्या चल रहे हैं? अरे बंदे कॉलेज में पेपर चल रहे होंगे, काफ़ी सारे बंदे कॉलेज में पेपर चल रहे होंगे, तो बस फ्री नहीं होते वो। डू सब्सक्राइब गाइस, डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब करो, नहीं किया चैनल पर नए हो तो। वो कैरी यूनिटी कहता है ना, उस लाल बटन के साथ चाहे कुछ भी खेलो, क्या कहता है ना, चाहे अपना सर पटको, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई। आपको आना है, आपको मेन सर्वर पे आईपी पे रहना है ना ब्लेज। मोती ने आपको आईपी दी होगी, दोनों टीमों के एक बंदा भी आया नहीं है। देखो
देखते हैं सैंडी कैसा खेलता है इतने पिंग में। सैंडी हाँ देखना बेटा। विलेज आपको सर्वर पे रहना है लाइव आईपी पे, गोटीवी के आईपी पे नहीं रहना है। मैंने बोला आपको सिंपल की जगह रहना है, सिंपल चला गया। बहुत ज्यादा पिंग नहीं है उसकी, उसकी स्टेबल पिंग है 150 के आसपास पिंग है, खेल सकता है वो। तेरे स्ट्रीम में डिले है? हाँ डिले है ना, गो टीवी पे डिले रहता है करीबन 2 राउंड का, 1.5 राउंड 2 राउंड का डिले। 140 सेकंड के आसपास रहता है, 140। स्टार्टिंग में तो अभी सब ओपिंग कर रहे हैं। ये देख रहे हो, ये डैनी ब्लेज कमीना वहां पे जाके खेल रहे हैं। मैंने मैंने उन्हें स्पेक का काम दिया है। चलो मोती तो वहां पे सर्वर सर्वर पे इशू कर रहे हैं तो क्या तो थोड़ा वाह नाइस नाइस। तो खेलना शुरू कर भाई। ये होना चाहिए असल में भाई, पता चले एडमिन भी खेल रहा है। टूर्नामेंट चल रहा है, कॉपी नहीं है। यो स्कार ऑल द बेस्ट सबको, दोनों टीम को ऑल द बेस्ट। इसका टूर्नामेंट चल रहा है और टूको वेजी का टूर्नामेंट चल रहा है, एमएम नहीं है। हाँ टूर्नामेंट करवा रहे हैं ना अपन, ओके टूर्नामेंट करवा। प्लेस को देखो भाई क्या ही कर रहे हैं वो गेगन से। थैंक यू, बस होने वाला है लॉन्ग भाई। ओह लॉन्ग बैरल क्या हाल है भाई, कहाँ से मिला आईपी? ओ लिंक सॉरी आईपी कह रहा हूँ, कहाँ से मिला आईपी? भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दिया, मैं टाइगर हूँ, मैं लॉन्ग बैरल। बड़े लोग एली एली बन गए, भाई को भूल गए। हाँ तो हम ही करवा रहे हैं टूर्नामेंट, और कौन करवा रहे हैं? मैं मोती और लस्टी भाई तीन जने करवा रहे हैं अपन। चलो प्लेयर आ गए हैं सबके और स्टार्ट होने वाला है। प्लेयर सबके आ चुके हैं, 5-5 जमा दो तो प्लेयर हो चुके हैं। अरे यार वो बंदा है ना, आप कौन सी टीम से हो लॉन्ग बैरल, कौन सी टीम से हो? नेक्स्ट मैच आपका शायद नहीं है, आज मैच नहीं होगा। आपकी टीम का नाम क्या है? आई डोंट नो मैं ना। हाँ तो जो सामने आपके टीम है ना, जो टीम लॉस्ट फाइव है, टीम लॉस्ट फाइव है, हाँ 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 टीम लॉस्ट फाइव है, उनके 2 प्लेयर आज हैं नहीं। वो सुबह कह रहे थे कि शाम को खेल लेंगे, लेकिन फिर आपके जो कैप्टन है आर्यन, उन्होंने कहा कि वो आज नहीं खेल पाएंगे, सो वो कहीं चले गए। उसके बाद कन्फर्मेशन बहुत लेट आया कि आज खेल पाओगे। अब मुझे पता नहीं अब आर्यन वो बात कर रहे हैं, अगर वो दोनों राजी हो जाते हैं तो प्लेयर मैच होगा आज, वरना आज मैच नहीं होगा। सब जॉब करते हैं चक्कर में। कब होगा? जब दोनों प्लेयर कहेंगे दोनों फ्री हैं, दोनों टीमें, तभी होगा मैच। ऐसे तो करवा नहीं सकते हैं।
सुबह मैंने कहा था, फिर सुबह मना कर दी थी आर्यन ने, फिर कहा चलो हम कर लेंगे। जब उन्होंने कहा कर लेंगे तो दूसरी टीम ने मना कर दिया, फिर चली गई। तो कुछ ऐसे ही चल रहा है, हो जाएगा राउंड पर ही, कल परसों में मैच हो जाएगा, जब फ्री होंगे तभी मैच होगा, ऐसे जल्दबाजी में मैच नहीं होगा, वरना सैटरडे को करवाएंगे। ओके सैटरडे को एक क्वार्टर और होना है, एक क्वार्टर फाइनल और है, सैटरडे को होगा। हाँ आजकल में देखो, आज तो शायद मुश्किल है, अगर वो टीम नहीं आती है तो मुश्किल है मैच। बाकी संडे को हमने फाइनल रखा है, सैटरडे को सब ये एसएमई और क्वार्टर सब कर लेंगे, कवर कर लेंगे सारे, और संडे को फाइनल रखा है, बेस्ट ऑफ थ्री होगा। इनका एक प्लेयर फिर से डिस्कनेक्ट कर गया है, लास्ट बंदा कौन है जो नहीं आया? पता नहीं, आ जाएंगे दो जने, डिस्कनेक्ट करें, दो जने डिस्कनेक्ट करें। आ गया एक जना, आ गया एक जना और आने वाला है। अच्छा वो चेंज करने गया है बोला स्किन कुछ समथिंग। हाँ वो लगा होगा ना, उनका वो लगा होगा, कहते हैं प्लेयर मॉडल लगा होगा, तो वो चेंज करने गया, प्लेयर मॉडल बना है टूर्नामेंट में। गाइस टूर्नामेंट 2.1 भी होगा चो गेमिंग का बहुत जल्द, तो अगर आपके पास टीम नहीं है तो टीम बनाओ, प्रिपेयर करो, ज़्यादा टीमें होंगी तो ज़्यादा प्राइस होगा, एंट्री सेम होगी 250 रुपीज़ एंट्री होगी, और प्राइस ज़्यादा टीम होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। हम 0% लेंगे भाई, हम एक भी रुपया ये नहीं कि हमारी जेब में जाते, जो लेंगे वो दे देंगे, हम बस टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं। तो अगर ये वाला टूर्नामेंट मिस कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले भी आएंगे, इसको ज्वाइन करना। FD क्या बनवाऊंगा मैं, क्यों मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ ना, कहते रहो मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अपन कुछ ले नहीं रहे हैं। अब देखो 8 टीमें हैं ठीक है टूर्नामेंट में, 250 उससे लिया 2000 हो, 2000 में से पहली टीम को प्राइस है 1500, दूसरी टीम को 500, हमारे पास कितना है 0, बस सिंपल सा है। अब तो भाई सिर्फ टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं कि हाँ भाई CSGO जितना वैल्यू है उतना CSGO है, बल्कि ज़्यादा ही रहे, कम नहीं है।
चालू हो रहा है, सिंपल चालू हो रहा है। एक बंदा नहीं आया इनका, वेट कर रहे हैं इनसे। इनका एक बंदा नहीं आया, इनके टीम का क्लासिक 5 का एक बंदा नहीं आया, उनका वेट कर रहे हैं। कनेक्ट हो रहा है लास्ट जाएगा। अच्छा मुकाबला होगा, दोनों टीमें अच्छी हैं। हम ये नहीं कह सकते किसी एक टीम कमजोर है, एक टीम बहुत अच्छी है, दोनों टीमें अच्छी हैं। एक थर्ड मुकाबला होना था, वो भी टीम काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो आई नहीं है, क्योंकि वही मैं बता रहा था। जो हाँ भाई मैं टाइगर हूँ, हाँ हाँ वही टाइगर हूँ, बेब्लेड वाली डीपी वाला टाइगर। तुम्हारे में एडिड हूँ तभी तो कह रहा था भाई, भूल गए भाई को, वही टाइगर हूँ मैं। वही नूबड़ा टाइगर वही तो मैं कह रहा था भाई को, भूल गए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा भाई का अभी तक। भाई एली एली बन गए हैं, तब से भूल गए भाई को। हाँ अब याद आया ना, कहने पे याद आया। चलो बंदे आ गए इनके, लेट्स गो। सेटअप होता हुआ, मुझ सेटअप करते हुए, और होप ये वाले मैच में टक्कर हो। पिछले मैच में तो बहुत ज़्यादा टक्कर नहीं मिली, इस मैच में टक्कर मिलने को हम सोचेंगे। वाह नाइस जी जी भाई, मैं स्ट्रीम करता भाई। इन्फर्नो की तरफ मैप जाता हुआ, इन्फर्नो पिक है इनका। या गॉड लाइक ब्रो, अच्छे खेलते। मैं कहता रहा पिक हुआ है, दोनों की डीगल्स अच्छी हैं, दोनों के गेम सेंस अच्छे हैं, सब पुराने प्लेयर हैं। इनसेन मेरे साथ सिल्वर, जब मैं सिल्वर था तब से खेल रहे हैं वो। इनसेन बहुत अच्छा खेलते हैं, वो भी करंटली वो डीएमजी है, बहुत अच्छा खेलते हैं। बाकी सारे प्लेयर सब पुराने भाई, यहाँ पे सब पुराने प्लेयर है, कोई ऐसा नहीं है कि बंदा नया हो। कोई सैंडी भी पुराना प्लेयर है, इस समय ऑस्ट्रेलिया में है वो, करंटली वहीं से खेल रहा है वो, इसलिए उसकी पिंग हाई है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है वो, सारे पुराने प्लेयर सब अच्छे। हाँ नाइफ राउंड है, इसमें राउट राउंड होगा। ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होते हुए हमें एक 120 सेकंड और वेट करना पड़ेगा, सॉरी फॉर वेट। ओके गो टीवी है तो यार डिले तो चलता है, वरना पता चले बगल में स्ट्रीम लगा कोई देख रहा है, डिले तो चलता है। बाकी मेरी जो वॉइस आ रही है तुम तक, वो सेम आवाज़ पे आ रही है। मैं तुम्हारे चैट तुरंत पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे को ही लेट दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें भी लेट दिखाई दे रहा है, बस सही है, क्योंकि मैं खुद गो टीवी से देख रहा हूँ। दो डिसलाइक जिसने दिए हैं ना भाई, सच बता रहा हूँ, जिसने दो डिसलाइक दिए हैं भाई। और एक कौन है भाई वो? एक आप हूँ मतलब। नाइस मजाक कर रहा हूँ। तो भाई दो डिसलाइक जिसने दिए ना भाई, सिल्वर बनेगा भाई सीएस में, बी रैंक होगा उसका। भाई सिल्वर से भी बदतर बनेगा भाई, सिल्वर वन से भी बदतर बनेगा। ब्रोंज की कोई रैंक होती है ना वो मिलेगी उसको। तो यहाँ पे टीम कनेक्ट करती हुई एस एच एम आ गए पहले, शिम शिम भी बोले एस एच एम को, क्यों क्यों भाई क्या क्या नाम रखते भाई, कभी कभी दिक्कत होती है मैं बोलने में। जो भी एक
मैंने कुछ ऐसा देखा था कि टीम का नाम होना चाहिए आगे, इधर तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा। अभी टीम का नाम लगते क्या ना, वो मोटी लगते हैं सर। मतलब क्या नेम टैग की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ। नहीं नहीं वो रख देंगे। अरे मोती भी खेल रहा है क्या? मोती खेल नहीं रहे हैं। जरा वो कुछ सेटअप वेटअप कर रहे होंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। स्कार और ये बंदे आ गए सबके सब, और स्टार्ट होता हुआ मैच। स्नाइप राउंड रेडी कर लेते हैं, वेट कर रहे हैं बस, ये रेडी कर लें। बहुत प्यारी टीम है भाई, दोनों ही बहुत प्यारी टीम है। बहुत अच्छे मुकाबले होने वाले हैं इस बार। और नेक्स्ट टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि क्वार्टर को भी बेस्ट ऑफ थ्री रखा करूँ। एक ही दिन में एक ही मुकाबला हो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों क्यों गब्बर, आपका क्या विचार है? हर मुकाबले को बेस्ट ऑफ थ्री रखा जाए। हाँ सही रहेगा वैसे, ताकि टूर्नामेंट भी लंबा जाएगा और जो प्लेयर्स खेले उनको ये लगेगा हाँ उन्हें पूरा चांस मिला है। अगर उन्होंने 250 रुपए दिए हैं तो पूरा वो उसको यूटिलाइज हो रहा है। क्यों गब्बर, क्या विचार है आपके? सही सही बात। मिड पुश करते हुए लोग, गब्बर आप बताइए कौन जीतेगा ये वाला राउंड? ये राउंड मेरे को लग रहा है कि सिटी साइड जीत सकती है। और मेरा हल्का सा लैग हुआ, पता नहीं क्यों। एक एक प्लेयर दोनों का मर चुका है। सिटी साइड के दो प्लेयर 50 एचपी पे है, इनसेन उधर 50 एचपी पे है। लड़को रहा है पीछे से, एक को मार दिया। और टी साइड की तरफ ही मैच जाता हुआ, टी साइड ही जीतेगी। टी साइड ही जीतेगी या टी साइड स्विच करेंगे, सिटी लेंगे या स्विच करा उन्होंने। यस कॉमन सी चीज है, सिटी ही लेंगे वो। व्हाट द हेल, स्विच हुआ नहीं? हुआ तो नहीं, हुआ स्विच, अभी स्विच होगा, हुआ नहीं है। पॉज किया गया मैच, स्विच हुआ नहीं है, स्विच कर रहे हैं। अच्छा सर सही है यार, देखते हैं कौन जीतता है मैच। दोनों टीमें अच्छी है। देख मैं इनसेन की बता सकता हूँ, इनसेन अच्छा खेलते हैं और सैंडी के इनसेन कहते हैं वो अच्छा खेलता है, लेकिन उसकी पिंग हाई है तो कैसा खेलेगा कुछ पता नहीं। बहुत सही प्लेयर है SHM, SHM देखते हैं कैसे खेलता। मैं तो इधर से किसी को नहीं जानता साइड से। डिसलाइक वालों मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें, तीन हो गए। तो और एक आ गया। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, बद्दुआ लगेगी। आप इनसेन को तो जानते होगे गब्बर, आपके साथ भी खेले एक दो बार। हाँ खेला, एक दो बार खेला होगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं जानता ना। अच्छा अच्छा ट्रैश टॉक अलाउड नहीं है बाय द वे, डैनी बोलते हुए एक्चुअली लिखते हुए इनसेन। टाइगर दिख रहा है हमें? नहीं स्ट्रीम वालों को शायद नहीं दिख रहा होगा ना, वो जूम करके दिख रहा है। दिख रहा है, मैं भी तेरा स्ट्रीम में दिख रहा हूं। अच्छा वी आर नॉट टॉकिंग ट्रैश बाय द वे, वी विल किक सैंडी आफ्टर दिस मैच बाइंड। इजी ठीक है ठीक है, दिख रहा है ठीक है। We love you लिखा है। POG चलो ये अच्छा है। हो क्या क्या, कौन जीता था? टी जीता था, टी ने फिर स्टे तो लिया नहीं था टी ने, पता नहीं मेरे को क्या हुआ। चलो स्टार्ट हो गया। और ये सिटी की तरफ से एक किल और टी की तरफ से एक किल, दोनों की तरफ से बनाना पिक हो रहा है। और ये बहुत अच्छा किल निकालता है।
मेरे पे दो जनों को निकाल दिया है इसने, बहुत अच्छा। और ये 2v3 की सिचुएशन, बी की तरफ एक बंदा जाता हुआ, सिटी से साउंड आ गया और बहुत बहुत प्यारा फ्लिक, बहुत प्यारा फ्लिक। और ये बॉम्बर जाता हुआ ए की तरफ, इजी राउंड फॉर पीओजी। ये राउंड तो टी नहीं जितना चाहिए। हाँ टी ही जीतेगी जितना लगा, अगर इंसेन ने क्लच कर दिया तो अलग बात है, इंसेन क्लच कर सकता है, लेकिन नहीं नहीं कॉर्नर चेक कर रहे थे और वहीं पे उन्होंने पीक ले लिया। टी साइड काफी एग्रेसिव, आई थिंक सिटी यहाँ पे इको करेगा, आई थिंक नहीं बाय करा कोई ना, अच्छी ये भी अच्छी साइड से दूसरा राउंड बाय कर सकते हो। कभी कभी डायरेक्ट इको हो जाता है तो थर्ड राउंड पे फुल एके और फुल एम4s बाय हो जाती है। देखते क्या ये राउंड निकलेगा सिटी की तरफ से, क्लासिक बी की तरफ, फाइव की तरफ से, क्लासिक मिड पुश होता हुआ, एग्रेसिव मिड पुश और बनाना से पुश होता हुआ, तीन लोग बनाना से पुश करते हैं, काफी फॉरवर्ड आ चुके हैं। सैंडी, सैंडी ने बॉम्ब ड्रॉप करवा दिया मिड आके, नाइस नाइस, एक और जन हमारा उनसे निकालते की कोशिश करते हुए, और ये एक ही तरफ बॉम्ब जाता हुआ और वन टैप, वन टैप, नाइस वन टैप। यस वी आर लाइव ब्रो, सिटी साइड किस तरफ से बहुत अच्छा था, दो लोग मरे, डिले है थोड़ा सा, डिले है दो, एक राउंड का डिले है करीबन, क्योंकि लाइव तो बिल्कुल रखूंगा नहीं, दिक्कत ये होती है स्पॉन बाय फिर वो स्नाइपर है वो मेरा चक्कर रहता है, तो एक राउंड डिले है मैच से, एक राउंड डिले है। और दो राउंड दो बंदों का अच्छा निकाल दिया, एक है अब सिटी के पास, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही सारा शॉट। और मिड पे एक गलेल है, गलेल ने स्पॉट कर रखा है, सैंडी को स्पॉट कर रखा है गलेल ने, बॉम्ब ड्रॉप है, पीछे बंदा आ रहा है और पीछे से बंदा मार देगा आई थिंक सो, नहीं पूरा कंट्रोल ले रखा है टीन एस समय। और एक ए साइड पे एक बनाना है, अगर बनाना वाला बंदा मरता है तो बॉम्ब लेके सीधा ये बी ही जाएंगे, और मिड वाला अगर ट्रेड निकाल देता है तो बहुत अच्छी बात है, निकाल सकता है, नाइस ट्रेड निकाला, बहुत अच्छी बात है। और रैंप पे बंदा आ गया, बॉम्ब ले लिया रैंप वाले ने, और अब ये कॉर्नर चेक कर रहे हैं और सैंडी को देख लिया, सैंडी ने मार दिया, बहुत ही अच्छा राउंड, बहुत ही अच्छा राउंड। सैंडी बहुत अच्छा खेल रहे हैं उनके पिंग के हिसाब से। We are live, my friend. बोल दिया स्पॉन भाई बस। और नहीं बोला लास्ट सेकंड। और यहाँ पे बनाना की तरफ तीन लोग जो कि अच्छा है, और एक ही तरफ दो लोग। एग्रेसिव पुश होता हुआ बनाना, एग्रेसिव पुश होता, दो लोग को मार दिया, नाइस नाइस, डेड हुआ, ट्रेड हुआ लेकिन काफी लेट ट्रेड हुआ। अभी पूरा ओपन है, पूरा ओपन है, आई शुड सजेस्ट कि इन्हें सेव करना चाहिए, बी साइड पे 3v2 पे रिटेक करना मुश्किल होगा। लेकिन सैंडी पूरा ट्राई करते हुए, सैंडी जाते हुए अगर यहाँ पे पीक मिलता है सैंडी को तो पक्का जाएंगे, क्योंकि जो सिटी वाला बंदा है वो थोड़ा सेव करेगा, अब सिटी वाले को सेव करना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। या कॉल सेव, कॉल पर सेव, नाइस, बहुत अच्छा शॉट, बहुत प्यारा शॉट। टाइम नहीं है ब्रो, टाइम नहीं है, चलो सेव करते हो।
काफी अच्छा शॉट था वो, बहुत प्यारा शॉट था। हाँ बहुत प्यारा शॉट, हल्का सा उसे देख लिया था, उसी के थ्रू मार दिया। क्या मिड पिक मिलेगी, बहुत बड़ा सवाल। पूरा एग्रेसिव मिड पिक ले नहीं, सीधा एप्स गए, मिल गए। और एप्स भी नहीं जा पाए, सीधा मॉडी आ गया एप्स। जस्ट फिर बी की तरफ एग्रेसिव, एक बंदा और है एसएचएम बी की तरफ। एसएचएम को देखते हैं कैसा खेलते हैं, काफी कह रहे थे बड़ा अच्छा खेलते हैं, सिड कह रहे थे। जो बॉम है वो मिड की तरफ जाता हुआ। गबर आप भी प्लीज बोलिए वरना मेरा मुंह गला सूख जाएगा बोलते बोलते। हमने पुतला मेरे को डिले दिख रहा है तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैंने आईपी दी थी आपको, मैंने आपको डिस्कॉर्ड में आईपी दी। और ये राउंड मुश्किल होता हुआ टीकी नहीं, एक और पिक साइड पे बंदा भी मत, एक और बंदा है साइड पे। नाइस, मैंने भी नहीं देखा था सर। 2v3 बंदे हो गए, 2v3। और एक और पिक ये टीके तरफ था। नाइस, तीन फार्मर्स, दो फार्मर्स, एक और दो M4 के साथ राउंड स्टार्ट होता हुआ क्लासिक 5 के लिए। काफी डैमेज पड़ा है मॉली से, काफी डैमेज, पूरा स्प्रे काफी डैमेज हुआ है टीम को, पूरी टीम को डैमेज हुआ है, पूरी टीम को, पूरी फोर मुकाबला। और नाइस सैंडी ने नाइस मिड पे पिक निकाला। मेरे को लग रहा है ये मैच अच्छा जाएगा जिस तरह से दोनों टीमें खेल रही हैं, दोनों होल्ड करके अच्छी तरह खेल रही हैं। एक बूस्ट दे दिया इंसेन बूस्ट पे, मिड पे दोनों जाते हुए एक्सीक्यूशन। क्या ए साइड एग्जीक्यूट होगी या फिर से बी की तरफ जाएंगे। बॉम्ब फिर से बी की तरफ जाता हुआ और दोनों बंदे बी से हटे नहीं है। ऐसा एच एम पीछे से आते हुए बनाना की तरफ ही एग्जीक्यूशन हो रहा है। और बूस्ट पे इंसेन है, और बूस्ट पे इंसेन ने मार दिया एक और, दोनों जने आ गए एस एच एम और वो। एक और मरा, और एक और मरा, ये राउंड आता हुआ क्लासिक 5 की तरफ। नाइस, जो बनाना पे मॉली किया था वो काफी अच्छा था। या कपर फिर पे आप आईपी को ज्वाइन करेंगे, मेरा मुंह ढक रहा है, मैंने आपको आईपी दिया डिस्कॉर्ड पे, कृपया उसे ज्वाइन करिए और मजा उठाइए गेम का, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे पोकेट के लिए नहीं बैठा लाया। डीगल्स और मैक्टन, एक मैक्टन चार डीगल पाए हुए हैं और अभी पीछे हैं सब। ये वाले सब देख रहे हैं कि बनाना फ्लैश डालते हुए, लेकिन बनाना पीक कोई नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है ये वाटरफॉल की तरफ जाएंगे ना, ये मिड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मिड पे एक जना है और स्पॉट कर लिया उसको रीगल के साथ, दो जने से पूछ लिए हुए थे दो जने। अगर टी साइड ने रश किया तो जरूर टी साइड ये राउंड जीत सकती है। जी आ गए आप, आईपी ले लिए आगे। कबर कब्बा धोखा दे रहे भाई, कब्बा धोखा दे रहे भाई, ये सही बात नहीं है भाई। ज्वाइन नहीं हो पा रहा घंटा, ज्वाइन नहीं हो पा रहा, ठीक है आईपी दी है, घंटा ज्वाइन नहीं होगा उसमें, ऐसा कुछ नहीं है, ओटी भी है वो। क्या यहाँ पे किल मिलेगा गार्ड को, और मिल गया, अरे मिल गया, एक किल मिल गया, इनसे मर गए बी पे। और पर बात तो ये ना बॉम्बर ही है, क्या ही कर सकते हैं, बॉम्बर ही है, बॉम्बर भागता हुआ।
बी की तरफ एक ही बंदा है, उन्हें पता है सिर्फ एक है बी पे। कंस्ट्रक्शन से भागते हुए एग्रेसिव और खत्म। इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और ये भी खत्म होने वाले है? नहीं, और खत्म। नाइस ऑफिंग, नाइस ऑफिंग, नाइस ऑफिंग, बहुत अच्छा। तीसरा राउंड क्लासिक फाइव के पास होता है। तीन चार एक और एक गलील के साथ राउंड की स्टार्ट किया पीओजी ने। बनाने के साथ फिर से मोले डालते हुए, नेट डालते हुए इधर से क्लासिक बी वाले, क्लासिक फाइव सॉरी। और रोटेशन होता हुआ एक जने का, दो जने बी पे। फ्लैश मॉडी सब, एक बंदा बहुत एग्रेसिव है और ये भुगतना पड़ा। बी की तरफ थोड़ा पुश होता हुआ, क्या एग्जीक्यूट करेंगे बी को? नाइस शॉट, मिस नहीं हुआ। बॉयलर एक बंदा बैठा हुआ है, एक ही तरफ एग्जीक्यूशन, उन्हें पता है बी रोटेशन हुआ है और मॉली डाला। नाइस मॉली, एक ही तरफ पूरा एग्जीक्यूटर। पिट वाला मर गया, पिट वाला अकेला था भाई, सिद्ध भाई अकेले थे और ए पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहाँ से स्मोक डालते हुए बंदा आ गया, शॉट से बंदा आ गया, एक मर गया, कोई बात नहीं। बेकार कास्टर हुआ है, मैं टट्टी वो कर रहा हूँ कमेंट पे। कमेंट ही सही है, खराब है। गब्बर 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 भी चले गए क्या? चले, एक ब्लेज बैठे हैं बस एडमिन में। सिटी का पूरा पुश हो चुका है और उसमें से तीन लोग मर भी गए। यो वैभव, POGOP, यस ब्रो, लेट्स सी आफ्टर सम राउंड स्लीप क्या क्लासिक फाइव यहाँ पे कमबैक करेगा या नहीं। और एक को मारा इनसे लेकिन मर गए, कोई बात नहीं। दे शुड इको, आई थिंक सिटी को एक इको यहाँ करना चाहिए, वरना वो राउंड हारते जाएंगे एंड हारते जाएंगे। क्योंकि मैंने इतना देखा है गब्बर, मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है कि मैं राउंड तब मैच तब हारता हूँ जब मैं इको नहीं करता हूँ। मतलब वी बाय वी बाय वी बाय वी डीगल वी बाय वी बाय और पूरा मैच थ्रो हो जाता है। सही बात है, ये बात सही है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है। तो गाइस अगर आप नए हो सीएस में तो प्लीज इकोनॉमी को मेंटेन करना सीखिए, जरूरी होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, सच्ची बात है। सैंडी पुश करते हुए सीधे उसके एम पे है, सैंडी मर गए सीधे एम पे थे। और यहाँ पे दिखाते हुए फिर से क्लासिक फाइव, नो ब्रो दैट इज दिस क्लीन, ब्रो दैट इज दिस क्लीन। या सीडी इज टू अग्रेसिव, स्कोर देखा जाए तो एरिस के हैं 14 किल, उसके बाद प्राड के हैं 11 किल, एसएचएम के हैं 11 किल, उधर 8 किल, 7, 6, 4 और 4। यहाँ पे एक बाय हुआ है, फुल बाय क्लासिक 5 की तरफ से, एक ऑफ भी है। देखते हैं क्या ये राउंड जीत पाएगी क्लासिक 5 और एक कमबैक कर पाएगी, क्योंकि यहाँ से हारने का मतलब है एक और इको और या फिर डी गर्ल्स और फिर वहाँ से फिर हारती जाएगी।
दो लोगों को मार दिया, बनाना में काफी एग्रेसिव पुश हुआ है और सैंडी रोटेट करते हुए। राइट पे एक बंदा और यहाँ पे एसएचएम एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव भुगतना पड़ा। बहुत अच्छा मारा इंसेन ने और ये राउंड मुझे लगता है जाएगा क्लासिक 5 के पास। अगर इन्होंने सही से इसे मेंटेन किया तो ये राउंड जीत जाएंगे। 2v3 है, दोनों बॉम्बर बॉम्बर भी बी पे है और तीनों प्लेयर अभी प्लेयर एक ही साइड जाता हूँ। वो अभी भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अभी भी बी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। बी का कॉल दिया गया, बी ही है, बी एग्जीक्यूट हो रहा है, पूरी तरह से बी एग्जीक्यूट हो रहा है। प्लेयर पुश करते हुए, प्लेयर पुश करते हुए और एम पे पुश करते हुए और ये फ्लैश दिया। अब 1v2 है ये। क्या यहाँ से क्लच होगा? क्या ये ए भी जा सकते हैं? इनके पास टाइम है, ये ए भी जा सकते हैं, ये बी भी जा सकते हैं। यस, ए जाने का इन्होंने फैसला लिया, पीछे जा रहे हैं थोड़ा देखने के लिए। शायद ए नहीं जाएंगे, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। आई डोंट नो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पर टाइम है इनके पास। अब टाइम नहीं है, अब इन्हें बी ही आना पड़ेगा, बी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, टाइम नहीं है इसलिए। और यहाँ पे इजी फ्लिक, इजी एक ऑफ का शॉट और ये राउंड आता हुआ क्लासिफाइड के पास। 4-7 के साथ हो गया ये मुकाबला और अच्छा चल रहा। मैंने कहा था दोनों टीमें अच्छी है कपर, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था, सही बात है कि नहीं? दोनों टीमें अच्छी है, काफी अच्छी है। ये नहीं कह सकते कि कोई एक टीम अच्छी है एक टीम खराब है, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ से अभी टीम कहीं देख रही है कि क्या किया जाए, किस साइड सोच रही है कहाँ जाया जाए कहाँ नहीं जाया जाए। इस साइड की इकोनॉमी पे थोड़ा असर पड़ा है, अगला भी बाय कर लेंगे लेकिन उससे अगला बाय नहीं कर पाएंगे। अगर हारे, दो राउंड लगातार हारे तो बाय नहीं कर पाएंगे। और बी की तरफ फिर से वही थोड़ा बहुत एग्रेसिव। एक ही तरफ एप्स में मुझे पुश हो रहा है, मुझे काफी सही लग रहा है ये पुश, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पता है कि बाहर एक बंदा बैठा है। एसएचएम को पता लग गया कि बालकनी में एक बंदा बैठा है बाहर। ऑटो एक्सपेक्टेड कैसे ऑन करो? इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा ब्रो, नहीं तो कर देता मैं। ऑप्शन नहीं आ रहा है, इधर ही आता है, ऑप्शन नहीं आ रहा है। रेडियो का माउस एक किल आया, बीके तरफ एक्टिव होते हुए और ये काफी अच्छा मारते हुए सीएलबी। सीटी से बंदा इनसे नेक को मारा, 2v3 हो गया और काफी एग्रेसिव आगे जुट गए। नाइस, एक और किल निकाली। 2v2 का मुकाबला, क्या जीतेंगे इस राउंड को? क्लासिक 5 क्या जीतेगी या नहीं जीतेगी, बहुत बड़ा सवाल। बहुत अच्छा एंगल होल्ड कर रखा है इन्होंने वाटरफॉल पे, बहुत अच्छा। और 1v2 होता हुआ ये ने पकाए और नहीं निकाल पाए। सैंडी ने एक और अच्छा निकाला, नाइस। बिलो प्लेयर कार्ड, रेडियो, रेडियो है ना? हाँ। रेडियो कैसे ऑन होता है मुझे क्या मालूम। सेटिंग में जाके देखना पड़ेगा आपको। रेडियो की क्या की होती है ब्रो? सेटिंग में देखना होगा। देखते हैं, देखते हैं, अभी देखते हैं। एक ही तरफ पुश होता हुआ, दो मैक्टेन, तीन एक के। अच्छा वो वाला कमांड वाला रेडियो कह रहे हो? रुको मैं इसे सेट करता हूँ, इस साउंड के बाद सेट करता हूँ। 2v3 का मुकाबला हो गया है, ए साइड पे बॉम्ब प्लांट है और इन्होंने ए साइड को अच्छी तरह पकड़ रखा है। फिर से बंदा आता हुआ,
इनसेन आते हुए और इनसेन मरेंगे मुझे ऐसा कर रहा है और टू बी टू हो गया ये नाइस एक मिनट में नाइस गाइस को मैं रेडियो सेट कर लेता हूँ किया आई ऑन कर दिया ठीक है No issue, boy. No issue. एक सेकंड में आया गाइस एक सेकंड टॉयलेट आ रही है अगर कोई इंतजार कर रहा है कि मैं कुछ बोलूंगा तो मैं नहीं बोलने वाला आ गए हम और कौन जीता एक राउंड और जीत गए क्लासिक मैंने बोला था मैं आईपी मांग रहे भाई किक करने के लिए सबको मैच से वाह नाइस नाइस वैभव यही काम है ना भाई यही काम है और ये लास्ट राउंड पीओजी जीती नाइस ये राउंड अगर क्लासिफाई निकाल लेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छे क्योंकि ये 6-8 हो जाएगा 7-8 हो जाएगा फिर और काफी सही स्कोर है मैं चाहता हूँ यार मैं तो चाहता हूँ कि यार इनसेन भाई जीते हैं इनसेन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं घंटा ओनर का रोल मिलेगा ठीक है इधर भाई को एडमिन का रोल मिला हुआ है तो ओनर का रोल चाहिए ये सही है मतलब जो चीज में देख सकते हो और ये राउंड भी पूरा पीओजी के पास जाते कोई बात नहीं क्या खरीदा हुआ कास्टर में कोई कास्टर खरीदा हुआ नहीं है साला मैं खुद का चैनल भी मतलब मैं खरीदा हुआ हूँ ये बढ़िया है भाई और मैं ऐसे टाइम पास के लिए आ गया हूँ मैं कोई कास्टर और स्टर नहीं हूँ ठीक है हाँ ये टाइम पास का है ये साले मैंने आईपी थी तब भी ज्वाइन नहीं करते हैं टाइम पास कर रहे बैठे बैठे सिंपल नहीं खेला सर सिंपल इसमें नहीं है वोल्फी खेल रहा होता तो 15-0 होता कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया फिर पता चला कि टाइगर भैया बैठ के ना सबके डेमोज देख रहे हैं भैया पता चला कोई स्विच ये बंदा पहले हम डेमो देख ले सामने वाले रिपोर्ट मार रहे हैं है? सही आते कि नहीं कब पर सामने वाले कह रहे भाई डेमो देखो भाई अपना ही चैनल है कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है अगली बार सब पार्ट लेना मजे से कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल प्योर देसी चैनल है देसी है नहीं कि भाई कोई बहुत ज्यादा हो रही है बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं वेट कर दे पूरी टीम सही यार वेट कर देता भाई पूरी टीम को सो रहा होता ना कंफर्टेबल सही बात नहीं नहीं इतना भी देसी नहीं है कि मैं भोजपुरी गाने बजाऊंगा यहाँ पे और ये राउंड की शुरुआत हो गई है बहुत ही एग्रेसिव पुश किया है
सिटी ने टी को पूरा घेर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है, और ये घेरना कहीं सिटी के लिए भारी ना पड़ जाए क्योंकि ए साइड टी पे आ चुकी है। हाँ भाई अपना ही चैनल है भाई, आईडी भेज। और ये सिटी जीतता हुआ राउंड जितना मुझे लग रहा है, बहुत अग्रेसिव सिटी है, बहुत अग्रेसिव। टू वे टू हो गया, ये एक और गया और वन वी टू, और क्या कौन जीतेगा, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। बॉम्ब ड्रॉप है उधर, नाइस नाइस राउंड इनसेन की टीम, नाइस। क्लासिक भी बहुत अच्छा राउंड निकाला ब्रो, सीएल भी ब्रो बहुत अच्छा राउंड निकाला, और एक बंदा मर गया, आवाज आया मेरे सैंडी डिस्कनेक्ट हुआ, टाइम आउट लिया गया है, पॉज लिया गया है। इंसेन ने काश से खरीदा भाई, मेरे दोस्त है वो, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत से, मैं चाहता हूँ उनकी टीम जीते, ठीक है, अब कोई भी जीते अच्छा जीतेगा, लेकिन मेरा मन है उनकी टीम जीते क्योंकि मेरे बहुत पुराने दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खरीदा हुआ हूँ, ठीक है, कास्टर का भी कोई प्रेफरेंस मतलब होता है भाई? नहीं होता भाई होता है, ठीक है, ये सर में भी होता है, कास्टर कहते हैं कि मैं बचत पे की तरफ हूँ, ठीक है, और भाई बिक गई है गवर्नमेंट, कोई नहीं बिकी है, ठीक है, ठीक है, तुझे पीओजी ने खरीदा हुआ है, ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है ना, बराबर हो गया। कोई कैसा भी किल ले ले ये उसके उसमें नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही इंसेन लेगा ना किल, मैंने तो बोला था क्या मारा भाई, मैंने क्या बोला मारा? था मैंने बोला था, ठीक है, एसएचएम का भी बोला था मैंने, और एरिस का भी बोला था, सबका बोला नहीं, था। नहीं बिक गई है भाई गवर्नमेंट, बोल रहा हूं सारे एडमिन ने कार से खरीदे हुए हैं। अच्छा बिका हुआ खास तरह है टाइगर भाई, घंटा बिका हुआ हूँ भाई। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी टीम की तारीफ करता हूँ, रुको वो पीओजी की तारीफ करूंगा, रुको अब तुम्हारी ऐसी तैसी, और पोगो यहाँ पे पीओजी, पोगो नहीं बोला, पीओजी ठीक है, ठीक है, पोगो यहाँ पे पूरा ए स्टैक करके बैठी है, चार जने ए पे, और ये राउंड निकलेगा देखना, ये राउंड निकलेगा भाई, बता रहा है राउंड निकलेगा, देख लो, नहीं निकला, आई एम सॉरी, निकल सकता है अभी भी निकल सकता है, संभावना अभी भी बात। और सैंडी ने चेक करा, अब वन वी थ्री की सिचुएशन, क्या यूएसपी से राउंड निकलेगा, मैं कहता हूँ निकलेगा, यूएसपी से राउंड निकलेगा देख लेना। तुम्हारी टीम की तारीफ करूंगा पोगो। भाई पोग बोला मैंने, पोगो नहीं बोला है, ठीक है, ऑटो ऑन है मेरे भाई, ऑटो ऑन है, देख ऑटो ऑन है, चलो मुझे जाना पड़ेगा, बाय बाय गप्पर, ठीक ही खेल रहा है इंसेन भाई, सही खेल रहे हैं भाई, सब सही खेल रहे हैं। देखा देखा बिकी हुई है गवर्नमेंट, वो कह रहा है छोटा भीम देख लो इससे अच्छा। ये भी सही है, ये भी ठीक है, घंटा बिका है टाइगर, ठीक है ना, टाइगर नहीं बिक सकता। सैंडी डिस्कनेक्ट हुआ फिर से, सैंडी की प्रॉब्लम आती है, टाइगर 20 रुपए से बोल स्टार्ट करते हैं। सही बात है रूल, बस 20 रुपए से बोली स्टार्ट होगी ना, सही बात है, इधर साला 1500 रुपए का प्राइस है, 20 रुपए से बोली स्टार्ट होगी, कांट थ्रो या फिर कांट बाय। संबक कह रहा है, एमएम विल टुडे ब्रो आफ्टर 7 मे बी आफ्टर दिस मैच, मैं थोड़ा जाऊंगा रेस्ट लूंगा, थोड़ा खाना पीना खाऊंगा, उसके बाद स्ट्रीम करूंगा ना ब्रो। व्हाई व्हाई यू टेक सो मच स्ट्रेस लेजेंडरी, भाई आपको बूस्ट कर दूंगा लेजेंडरी, टेंशन मत लो भाई, बैठा है बूस्ट करेगा तुम्हें। व्हाई यू मेक दिस टाइगर एक्सटिंक्ट ब्रो, कास्टर कास्टर तो सस्ते में है, टाइगर पे थोड़ा है, एमएम नहीं होता भाई, सिर्फ आरआर होता है, गंदी बात मत करो, दारू पी के आना, अरे दारू पी के क्या आना, गांजा पी के बैठते हैं बताओ। गांजा देसी भाई, दारू नहीं, गांजा देसी प्रोडक्ट है, ठीक है, बस यही सुनना रह गया था मेरा, हो गया टाटा बाय बाय खत्म, अरे कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ लेजेंडी, गुस्सा क्यों होते हो। मेरे को एल ही बनना है भाई, मेरी औकात के बाहर है, एल ही बनना है, मैं डीएमजी बन जाऊँ वही बहुत है, धीरे को जाता है बार बार,
चरस के साथ नहीं, चरस नहीं भाई, चरस का अलग चीज़ है, गांजा ठीक है। नहीं बनोगे, वही तो मैं कह रहा हूँ नहीं बनोगे भाई। कोई बाहर वाला आके देख लेना भाई, कहेंगे कास्टर गांजा पी के बैठा हुआ है। यहाँ पे राउंड स्टार्ट होता हुआ 18वां राउंड इस गेम का, और बहुत अच्छा मैच हो रहा है दोनों टीमों की तरफ से, अच्छा मैच हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई एक टीम अच्छा नहीं खेल लिया, और पुश होता हुआ एग्रेसिव पुश सैंडी की तरफ से, सैंडी मर गए और ये किल निकाला सैंडी, सैंडी नहीं मरे सॉरी दूसरे मरे थे, सैंडी सैंडी ने फ्लैश दिया था। और एस एच एम पीछे से आते हुए एक किल लिया, क्या दूसरा किल निकाल पाएंगे बहुत मुश्किल। साइट पूरी ले गया है क्लासिक फाइव ने, पूरी साइट ले रखी है। नहीं भाई जसवीर के गोटे मत काटो भाई, एक एप्स एक शॉट और एक लाइब्रेरी की तरफ किल निकला। एक अभी भी एप्स है, लास्ट बंदा एप्स है, कॉल दे चुके हैं कि एप्स है, लास्ट बंदा मार दिया सैंडी को, एक बंदे मर जाएंगे यहाँ पे पक्की बात है, सिर्फ इंसेन जिंदा बचे हैं। सैंडी हरामी क्यों है, एक बंदा अब दूसरी टीम का चला गया है, एस एच एम का एक बंदा कम है, और ये टाइम आउट क्यों नहीं ले रहे कोई बताएगा। हेलो चलो आ गया, 9-9 से बराबर हो गया है। क्या क्या स्पॉन भाई समझा नहीं, भाई टीम अच्छी है, इंसेन का लैग हो गया, मुझे ऐसा लगता है इंसेन का लैग हुआ है और डैमेज हो गया, तो इसका मतलब अभी राउंड भी स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। इंसेन लैग्ड आउट है, 2v3 का ही मुकाबला है, चेक भी नहीं करा मिड से जो बंदा आ रहा है उसने चेक भी नहीं करा है, तो अगर यहाँ पे नेट आता है इंसेन का तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज वो लग कर देंगे मिड से। Sad, 1v2. और टाइम आउट हो गया इंसेन का, एक ही मिल गई है, टाइम नहीं है ब्रो तुम्हारे पास, टाइम नहीं है, यू शुड हैव टू प्लांट ब्रो। शॉर्ट से आते हुए इट इज मार देंगे, नहीं मार पाए बंदा, पता होने के बाद भी नहीं मार पाए, ये गलत चीज हुई। चलो बहुत अच्छा सैंडी, बहुत अच्छा मारा, बहुत प्यारा मारा, मतलब जिसे कहते हैं ना हाई क्वालिटी प्लेयर, वो सैंडी है मैं बता रहा हूँ। अगर इसकी पिंग और कम होती सैंडी रेड मार देता, इतनी पिंग पे भी टॉप फ्रैगिंग कर रहा है वो, बहुत अच्छा खेला सैंडी ने, बहुत अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, कमबैक हो सकता है, पीओजी का भी कमबैक हो सकता है। बहुत अच्छा मैच होता हुआ,
वैभव भाई एक बात बताऊं, कोई सिंगल प्लेयर किसी कभी किसी टीम को नहीं जीता, पूरी टीम जीता थी। सो आप सिंगल में कितने भी अच्छे हो, आप फाइट में जानते हो, वन वी वन निकाल देते हो, लेकिन टीम से कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो आपकी टीम हमेशा जीतेगी। जिस टीम का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा वो टीम, जिस टीम की बॉल्स अच्छी होंगी वो टीम जीतेगी। बाकी तो एम और क्या कहते हैं रिफ्लेक्सेस, गेम सेंस नहीं, एम और रिफ्लेक्सेस अगर अच्छे भी है ना तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर टीम अच्छी है, टीम का कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वो बंदों को निकाल देगी। जैसे अभी देखा ट्रेड ले लिया तुरंत, तो यहाँ पे 1v3 की सिचुएशन में मौली रेडी है इनसे, इनकी बहुत मुश्किल होने वाला है इनके लिए, बहुत मुश्किल। बेटर ये सेव करें, वही अच्छा है, कॉल देनी चाहिए इन्हें, सेव करो क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ से बंद कर लिया है, सेव भी नहीं करने देंगे ऐसा मुझे सिचुएशन लग रही है इनकी, क्योंकि ऑप और मिलने वाली एक फ्री की क्लासिक 5। मौली भी डाल दिया उन्होंने, नाइस मौली। अभी पीछे मैच में 3-2 भी ही देख लो, किलर 2 के बीच में नहीं है, क्या कर लिया पूरी टीम को ना ना ना। कुछ नहीं कह सकता, और मैं इन चीज़ों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता अंशुल भैया। आई एम जस्ट अ कास्टर करंटली, अपने चैनल का कास्टर हूँ जो लाइव दिखा रहे हैं बस। तो यहाँ पे मुझे लगता है पीछे होती हुई थोड़ा सा पीओजी, थोड़ा सा पीछे होती हुई, और यहाँ पे क्लासिक फाइव काफ़ी आगे आते हुए, क्योंकि तो यहाँ पे फिर से फुल बाय उनका, और इधर उन्होंने डीगल्स लिए। मैं वही कह रहा हूँ, बार बार बाय करोगे तो वही होगा, तुम हारते जाओगे, तुम्हें एक ही को करना पड़ेगा, तुम्हें एक ही को करना पड़ेगा और एक राउंड देना पड़ेगा टी को ताकि कमबैक कर सको, लेकिन इस तरह से राउंड जाएंगे तो इकोनॉमी मैनेज नहीं हो पाती है। पर अभी इनके पास है पैसा, अगला बाय कर लेंगे जितना मुझे लग रहा है। क्या सुन लिया अंशुल भैया, कोई मन की बात, वैसे जाना है इस मैच के बाद। अच्छा इन सबके साथ ही जाना है, अरे वैभव भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भैया, मेरे लाल, पता चले सब्सक्राइब ना करो तो मैं चले जाऊं यहीं, तो मेरा दिल टूट जाएगा फिर। सब्सक्राइब करके जाना भैया ध्यान रखना भैया, ये साइड बी साइड में पुश आता हुआ, और इनके पास डीगल्स है, मैं वही कहूँ इनके पास डीगल है, फिर से एक मरा, दूसरा मौली में जल रहा है, दूसरा मौली में जल रहा है पीछे, और उन्हें पता है साइड पे एक बंदा है, उन्हें पूरी आवाज़ आई है, साइड वालों को पूरी आवाज़ आई है, सीटी एक बंदा देखता हूँ, और एक और अच्छा सा खेल, बहुत प्यारा खेल, अब पूरा सफा जा। थैंक यू सो मच। क्या स्क्रीनशॉट चाहिए, टॉप डिस्कॉर्ड दो, क्या क्या चीज, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू वैभव भाई, बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए। आगे अपनी टीमों को और लाना, कोई बंदे होने लाना अगले टूर्नामेंटों में, और ये आते हुए पुश होता हुआ बीपे, बॉम्ब तो भाई टी बेस पे है भाई, गांजा फुके हैं अभी समय सबके सब, बॉम्ब लेके आओगे टी बेस से, जा रहे भैया बॉम्ब लेने, नहीं जा रहे अभी, बॉम्ब लेने जाओ भैया, लास्ट मौके पे बॉम्ब लाओगे ना बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्जीक्यूशन। और बहुत अच्छा डबल पीक ले, डबल भूस ले रखा है उन्होंने, बहुत अच्छा बॉम्ब ले लिया है, और ये राउंड मुझे लगता है कि पीओजी के पास जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा है उन्होंने इस राउंड में होल्ड कर रखा है। सिटी स्मोक डाला उन्होंने, नहीं नहीं कंडीशन जीरो वाले नहीं है, आप नहीं जानते, नहीं मैं जानता हूँ, आप खेले उनके साथ लेकिन आप जानते नहीं।
एक और सिटी स्मोक, कॉफिन स्मोक डाला, नाइस, मॉली डालते हुए। और यहाँ पे एक राउंड आता हुआ पीओजी के पास। ये वह वो नहीं है, मैंने कहा ये सीजेड वाले नहीं है, आप नहीं जानते हो उन्हें। टेस्ट से इनसेन वो इनसेन नहीं है जो सीजेड में थे। ये मुझे सीएस में मिले थे, सीएस गो में। और एक सिंपल सा किला आता हुआ जसप्रीत के पास। नहीं है, मैं जानता हूं, मैं बोल रहा हूं वो नहीं है। ये अब मुझे कास्टिंग करने दो, डिस्टर्ब मत करो उसी जड़ का नाम ले लेकर। एग्रेशन है मिड पे, क्या मर भी सकते हैं? देख लिया, स्पॉट कर लिया उन्होंने एक, इंसेन ने पता नहीं स्पॉट किया कि नहीं, पर उन्होंने कर लिया स्पॉट। ब्रिज पे एक बंदा है, इन्फो दे दी, एक ब्रिज पे बंदा है, मिड से पुश होता हुआ, मिड पे कोई देख रहा है पीछे, और ये देख रहे हैं, नाइस। बी की तरफ, ए की तरफ जाते हुए बी फिर से फेंक जाना है अब, और फिर वापस आते हुए और ए की तरफ ये पूरा पुश करते हुए। बहुत अच्छा कॉल है, बहुत अच्छा कॉल है क्लासिक फाइव की तरफ से। उनके पास पूरे बंदे हैं उधर और एक ही जना है जो पिट में होल्ड करे हुए, और स्पॉट कर लिया उसको, पिट वाले को भी स्पॉट कर लिया है, और उन्होंने स्पॉट डाल दिया और दो को लेके गए, नाइस नाइस। और दोनों के तीनों को लेके जाएंगे, नाइस। बहुत प्यारा होल्ड, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा होल्ड। टाइम आउट लेते हुए पीओजी वाले, सही मैच है, वही मैं कह रहा हूँ, अच्छी टीमों का मैच है, दोनों टीमें अच्छी हैं। जो मैंने कहा था पहले भी कि दोनों टीमें अच्छी हैं, हम किसी को कम ना माने, दोनों पुराने प्लेयर हैं, दोनों अच्छे खेले हुए हैं, दोनों को काफी एक्सपीरियंस है। पूरा इको इस बार, चार बंदे ए पे, उन्हें पता है ये रश हो सकता है, फॉलन हो सकता है, वाटरफॉल मतलब फॉलन मतलब वाटरफॉल, और जैसे मुझे लग रहा है वाटरफॉल की तरफ ही सबके सब जाते हुए। एंडी को भी मार दिया, जा सकता है ओटी भी, जा सकता है। और रोटेशन फिर बी की तरफ होता हुआ, और यहाँ पे पूरा राउंड जीतते हुए जी। कमबैक करना पड़ेगा, क्लासिक फाइव को कमबैक करना पड़ेगा।
दोनों टीमों में फुल बाय है, फिर से वही ए से एक जना और रोटेट कर रहा है बी की तरफ, और वही जना बॉम्ब लेने जा रहा है टी बेस पे, यानी कि रैम पे, सॉरी टी बेस नहीं रैम पे। रैम से बॉम्ब ले लिया उन्होंने, और अब ये एग्जीक्यूशन एक ही तरफ होगा क्योंकि बॉम्ब भी एक ही तरफ जा रहा है, तो इनके दिमाग में पूरा प्लान है कि एक ही तरफ एग्जीक्यूशन करेंगे। और यहाँ पे स्मोक होते हुए आर्च और स्मोक होते हुए सिटी स्मोक, एक ही बंदा है बी पे और वो भी रोटेट कर रहा है, समझ में आ गया है ना कि ये हो रहा है, और मार दिया। ये राउंड भी पूरा पीओजी की तरफ गया है, ये गलत था कि आप जो चौथा बंदा था उसे भी पूरा जल्दी आना था, वो थोड़ा लेट स्कोप के चक्कर में मरे। ठीक है ठीक है, स्कोर बोर्ड शो कर रहा हूँ। ये देखो फुल मैक 10 है, बी हो सकता है, नहीं नहीं बी नहीं है, बी नहीं है। पर यहाँ पे इन्हें एक तरफ रश जरूर करना था, शायद मिड से कह रहे हैं, मिड से आज की तरफ बोले जाते हुए बंदे, और एक स्मोक वेस्ट हो गया इनका। एक ही तरफ दो जने हैं, एक और जना रोटेट कर रहा है एक ही तरफ, उन्हें पता है पूरा ही है, रोटेट कर चुके हैं पूरी तरह से, एक जना मरा, दूसरा जना भी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा सिटी वाले को, और सब के सब आ चुके हैं, थ्री वे थ्री की लड़ाई है, कौन जीतेगा कुछ नहीं पता। एक और मरे, जल गए, 1v2, क्या 1v2 निकाल पाए, नहीं निकाल पाए, बहुत क्लोज था लेकिन 1v2 नहीं निकाल पाए। यहाँ पे पीओजी के वापस कमबैक होता हुआ, और ये राउंड अगर हारती है क्लासिक 5 तो फिर समझ लीजिए एक तरह से मैच हार जाएगी, क्योंकि इसके बाद वो बाय नहीं कर पाएंगे, और डीगल्स होंगे, इन्होंने एक तरह से फोर्स किया है, गलिल के साथ आए हैं, और ये नेट डैमेज नहीं कर पाया ज़्यादा। मिड की तरफ आते हुए इंसेन भी एफ्स में जाते हुए थोड़ा एग्रेसिव, पहला किल आया, नाइस, SHM का किल आया, एग्रेसिव थे ऑप्स एप्स में। मिड को स्मोक डालते हुए बहुत ध्यान से इस राउंड को खेलना पड़ेगा क्लासिक 5 को, वरना यहीं पे गेम खत्म हो सकता है। उन्होंने जो भी बाय कर सकते थे वो सब बाय किया है, यहाँ पे ये राउंड हारने का मतलब है गेम हारना। और एक जना जलता हुआ, काफी एचपी ली उसकी, सारे के सारे जने अब बनाने की तरफ आते हुए। ये राउंड अगर निकलता है तो ही क्लासिक 5 इस मैच में रहेगी, वरना मेरे हिसाब से ये राउंड निकला और मैच निकला। पूरे के पूरे इस बी साइड पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, ढंग से एग्जीक्यूशन हो रहा है पूरा बी साइड पे, मॉले डाला, स्मोक हो गया, फुल स्मोक है, किसी को नहीं पता कितने लोग पास हो रहे हैं, ऑल ब्लाइंड गेम चल रहा है इधर। रोटेशन बहुत लेट है बी साइड पे, जो रोटेशन हो रहा है इसे बहुत लेट हो रहा है, अभी भी ए साइड पे एक बंदा पूरा बैठा हुआ है, और यहाँ पे 2v4 होता हुआ, दे शुड सेव। अगर मैं कहूँ कि पीओजी को ये राउंड सेव करना चाहिए, बहुत लेट जो रोटेशन हुआ है ए साइड से, बहुत लेट हो चुके हैं, जब स्मोक हो चुके हैं सबके सब तो बस रोटेशन करना चाहिए। ऑफ वाला लेके बैठा है P250 एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि शायद उन्हें P250 पे भरोसा है और एचपी भी लो है लोगों की। 1v2 ऊपर चढ़ते हुए और राउंड निकाला, ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट था। दो लोग गंदे टैक्टिक्स जो पीटी से आ रहे थे और सही मारे, दो जगह को मारा उन्होंने, बहुत क्रूशल राउंड था।
अब हम कह सकते हैं कि हाँ फिर से हम एक राउंड और चाहिए फिर से क्लासिक 5 को, तभी इकोनॉमी टूटेगी पीओजी की, वरना वही बात रहेगा कि इकोनॉमी तो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी इनके पास जो है वो दो गलेल हैं, एक मैकटन, एक के और एक ऑफ। क्लासिक 5 को ये राउंड भी जीतना ही पड़ेगा, तभी उनकी इकोनॉमी बिल्डअप होगी और सामने वाले की इकोनॉमी टूटेगी। ये राउंड भी बहुत क्रूशियल है क्लासिक 5 के लिए। बाहर बंदा बैठा है, पूरा साउंड आ गया SHM को, पूरा साउंड आ गया, दो जनों को लेके गए SHM, और ये गंदा निर्णय 2v4 हो गया, अब 1v4 हो गया। इस तरह का पुश नहीं करना चाहिए जब आपकी टीम एक होल्ड करके अच्छा एग्जीक्यूशन कर सकती है, मैं तो यही कहूँगा। जब आप वहाँ पे बी साइड पे एग्जीक्यूट करके निकाल सकते हो किल्स, निकाल सकते हो राउंड, तो ऐसा जल्दी पुश नहीं करना चाहिए। हाय ब्रो, तुम्हारी टीम जीत रही है ब्रो, और ये 15 राउंड पीओजी के लिए हो जाएगा। कोई चांस नहीं है तो बाइक के अलावा, कोई चांस नहीं है। और ये राउंड ख़त्म होने की तरफ जाता हुआ, बहुत ही एग्रेसिव सारे के सारे सिटी वाले ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, 3v3 हो गया। क्या ये एग्रेसिव पुश इन्हें ले कर डूबेगा, क्या ये ओटी की तरफ जाएगा मैच? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, देखते रहिए चोक गेमिंग, देखते रहिए। आज तक बोलते ऐसे सीख रही है चोक गेमिंग। Server has been shut down. What? Server बंद हो गया? Server disconnect हो गया. Guys wait, कुछ तो हुआ है, server में कुछ हुआ है. Match खत्म हो गया ना? I think server अपने आप shut down. ऐसे कैसे shut down हो गया? मोती कहाँ है? कौन जीता? Pog जीता, Pog. वॉक जीत गया, वो लास्ट राउंड था जो मैं देख रहा था 3v3 का, 3v3 हाँ, पता नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था। पीओजी जीत गया और जीजी वेल प्लेयर दोनों टीमों को, पता नहीं। बात यह, मैं गो टीवी से देखा था, यही दिक्कत होती है। मैंने मोती से कहा था कि मुझे गो टीवी से मत करो, वो सर्वर बंद हो जाता है, पर कोई बात नहीं, अगली बार से मैं डायरेक्ट लाइव पे बैठूंगा, गो टीवी पे नहीं बैठूंगा, डिले में अपनी स्ट्रीम में डाल दूंगा, ताकि सर्वर बंद हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। सही बात है कि नहीं? तो जीजी वेल प्लेड गाइस, सैड एडमिन, हाँ रूल भाई, गलती हो गई एक चीज की, चलो कोई बात नहीं, पोक जीत गया लास्ट राउंड, ठीक है। दोनों टीम अच्छा खेली, और बाकी जो मैच हैं, दो मैच और हैं क्वार्टर फाइनल, वो बाद में होंगे, एक तो मे बी कल हो, या मैं दोनों को एक साथ ही करवाऊंगा, वो सैटरडे को होगा, पता चल जाएगा, लाइव आ जाएंगे। नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। अब जो टीम के जो बचे हैं, वो दो और मैचेस बन रहे हैं, ठीक है। मैचेस कौन कौन से बचे हैं आपको बता दूं, एक सेकंड, कौन कौन से मैचेस बचे हैं, तो यहाँ पे ये दो टूर्नामेंट, दो मैचेस हो गए, ब्रोकन वर्सेस 3A2B का हो गया, जिसमें ब्रोकन जीता है, ठीक है।
ठीक है ना, और एक हो गया ये वाला पोग वर्सेस क्लासिक 5 जिसमें पोग जीता है। अच्छा अंशित है, अरे रूल भी था भाई, रूल में भी ऐसे कुछ आईडी बना रखी थी नो गेमर्स नूब के नाम से। ठीक है भाई दोगो, अब थोड़ी देर बाद आऊंगा, लाइव स्ट्रीम करूंगा सीएस की, तब देखना। बाकी मिलते हैं जो बाकी के मैचेस होंगे और अगली लाइव स्ट्रीम में, देखते रहिए गेमिंग गैस 360 कह रहा हूँ, सॉरी मेरा मुंह से बार बार वही निकलता है, चोक गेमिंग देखते रहिए चोक गेमिंग, ठीक है। वही तो वापस चेंज कर लो नाम नहीं नहीं अब नहीं गेमिंग चेंज कर रहा, गैस नहीं 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 चेंज कर रहा, अब नहीं चेंज कर रहा, ठीक है। देखते रहिए चोक गेमिंग और मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में, थैंक्स अरे फॉर मोती बोल रहे कि वॉचिंग। हाँ वो क्या कह रहे जियो हैं? टीवी का डिले रहता है ना, हाँ तो इसीलिए मैच खत्म हो गया तो वो दूसरे मैच पे शिफ्ट हो गया ना, दूसरे मैप पे तो वो बंद हो गया अचानक, तो बंद हो गया कोई वो। ना इसलिए लाइव पे बैठूंगा मैं, कोई बात नहीं, अगली कल से लाइव क्योंकि बैठूंगा। लास्ट राउंड नहीं दिखेगा फिर। ठीक है गाइस, बाय बाय, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक नहीं है। और भाई सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक तो बनता है, ठीक है। जी, वेल प्लेड ऑल टीम्स। चलो मैं आता हूँ, ठीक है, बाकी बाय 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 बाय, सबको बाय बाय, सबको बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। गेमिंग है 360 फॉर एवर, यस वो तो रहेगा ही हमेशा, क्योंकि उसी से शुरुआत हुई थी हमारी, ठीक है। स्पॉन भाई मिलते हैं थोड़ी देर बाद, लाइव करूंगा तब मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, सबको बाय बाय, थोड़ी देर मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।